गुड इवनिंग, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ पीसीसी प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर, आईटीजेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, एक सुपीरियर टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसकी स्टडी कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली जो मेनली थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट था उसको पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट कहाँ तक होता है? कारनॉट हीट इंजन और जो घरेलू डिवाइस है जिसको जाने अनजाने में हम लोग फ्रिज कह देते हैं। सही नाम क्या है? रेफ्रिजरेटर, देहाती में प्रशीतित्र बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर आपने पढ़ लिया तो थर्मोडायनेमिक्स का टर्मिनेशन हो गया। अब उसी से एसोसिएटेड टॉपिक है थर्मल कंडक्शन, ऊष्मा का चालन, कैसे हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चल के जाती है। हीट के पहुंचने के तीन ट्रैक हैं, तीन रास्ते हैं, जैसे तीन नाम है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्ड विद रेडिएशन। कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और तीसरा रेडिएशन है। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन यही है, कंडक्शन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जैसे हम कहें कि ये मार्कर पेन पीछे वाले दे दीजिए, उनके पास हेडिंग डालने के लिए नहीं है, तो आपने कहा कि ठीक है सर दे देते हैं, थोड़ा हम भी हेडिंग डाल लें। वो कह रहे कि अच्छा ठीक है, हम भी थोड़ा अपना हेडिंग डाल लें। जब फ्री की पेन है तो हम भी हेडिंग डाल लें। सब लोग हेडिंग डाल डाल के तब पीछे पहुँचा रहे हैं, समय लग रहा है कि नहीं? और हम देखें किससे हमारी स्याही खत्म हो रही है, ये ठीक नहीं। जिसको हम देना चाह रहे थे तो उसको मिला तो, लेकिन बीच में स्याही काफ़ी ख़त्म हो गई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले और धीरे धीरे जा करके पर्सनली कह दी लीजिए पकड़िए, ये आपके लिए पेन है, हेडिंग खूब डालिए, है ना। दूसरा वाला मेथड क्या था? कन्वेक्शन। पहला वाला मेथड वन बाई वन एक एक करके होते हुए गया, कंडक्शन था चालन। और दूसरे वाले में कन्वेक्शन में स्वयं हम चल करके जाके पर्टिकुलर जहां देना था वहां दे दिए, दिस विद द कन्वेक्शन। और तीसरा प्रोसेस, हम बहुत जल्दी में हैं, हम अपना प्लेस क्यों छोड़ें, हम बड़े टीचर हैं, हम क्यों जाएं भाई, व्यासा कुएं के पास जाते हुए सुना है हम यहीं से, हम माई सेल बी ए कुआ, हमको आप कुआ समझिए, हम यहीं से मार्कर पेन को ऐसे थ्रो कर देते, लीजिए पकड़िए, यहीं से अचानक में थ्रो कर दे तो ये कौन सा प्रोसेस है? दिस विद द रेडिएशन। सबसे क्विक, सबसे स्मार्ट प्रोसेस, कम से कम समय लगने वाला प्रोसेस कौन सा है? रेडिएशन। रेडिएशन में बहुत कम समय लगता है। तो लीजिए कंडक्शन सीखा जा रहा था, थर्मल कंडक्शन, कंडक्शन पर चर्चा हो रही थी। कंडक्शन बेसिकली किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना बढ़िया कंडक्शन होगा। सबसे बढ़िया अब तक की मेटल कौन सी है? चांदी है। कौन सी? महंगी है, इसलिए नाम नहीं बताया, महंगा तो सोना और भी महंगा है ना। चांदी किस लिए बढ़िया कंडक्टर है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। पूरी बात बताइए, अभी अधूरी बात है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऐसा कहना अधूरी बात है। अब चांदी का छोटा टुकड़ा लीजिए, चांदी की अंगूठी लीजिए तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन, चांदी की थाली ले लीजिए तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन। मास बढ़ेगा तो गड्रो नंबर के बेसिस पे उस पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर ही बढ़ेगा, लेकिन यूनिट मास में कितने, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो काउंटिंग यहाँ पर ग्रेटर होनी चाहिए। तो लीजिए, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रिक का भी बढ़िया कंडक्शन करता है। इलेक्ट्रिक और हीट, यानी अब एक बात सामने निकल के आई, इलेक्ट्रॉन ही ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के लिए जिम्मेदार है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों में रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है, के बाई सिग्मा इंटू टी, दिस विद अ कांस्टेंट। इसको कहते हैं वाइडमैन फ्रेंज लॉ। दूसरे मैन है, देख लीजिए स्पेलिंग, एम ए डबल एम, वाइडमैन फ्रेंज लॉ। ये रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, जो कल बातें हम लोग सीख चुके हैं उसका रैपिड रिवीजन। वाइडमैन फ्रेंज लॉ क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी के है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा है, दोनों के बीच रिलेशनशिप है, अच्छा वाला संबंध, के बाई सिग्मा टी कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, देख रहे हैं ये कौन सा लॉ है? वाइडमैन फ्रेंज लॉ। यहां से टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि टी अगर ले जाना चाहे तो टी ले जाना चाहे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में टी यहाँ जाएगा तब खूब साफ साफ दिखेगा, टेम्परेचर बढ़ा के भी बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए, मुख्य रूप से एक ही बात समझ में आई है, जो
अच्छे ढंग से मेहनत से पढ़ेंगे वो कभी इस प्लेटफार्म पर आएंगे तो अच्छे ढंग से पढ़ा भी सकते हैं, यही है, इन दोनों क्वालिटी होगी। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं बहुत एडवांस बहुत आगे से बोल दे रहे हैं, ये किरचाफ का ला है। किस का ला है? किरचाफ का। अभी रेडिएशन सीखा जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हीट के अच्छे कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिक के भी कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक वाले अच्छे कंडक्टर, हीट के भी अच्छे कंडक्टर। लेकिन एक ऐसा अनोखा एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन जिसको अपवाद आप बोल सकते हैं, कि जो हीट का तो कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं है। नाम बताइए। माइका। माइका, माइका बोले तो अभ्रक कहते हैं। अभ्रक कहाँ लगा होता है? हल्का हल्का याद करिए, खंभे में जो पोल में टाइट होते हैं तार को ऐसे कनेक्ट करने के लिए बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं, वही माइका है। गर्म करेंगे तो आसानी से गर्म हो जाएगा, यानी थर्मल का कंडक्शन है, हीट का बढ़िया कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के लिए तो लगाया गया है जिससे इलेक्ट्रिक खंभे में डायरेक्ट नहीं अटैच हो, समझ पा रहे हैं? माइका किसका कंडक्टर है और किसका कंडक्टर नहीं है? इलेक्ट्रिक। चलिए, कंडक्शन के लिए एक छोटी सी बात फिर से रैपिड रिवीजन के तौर पर ऐसे बना ले रहे हैं। ये कोई राड है, छड़ है, छड़। इस तरफ से हीट की सप्लाई की जा रही है, टोटल हीट क्यू इधर से दिया जा रहा है। हीट की सप्लाई मतलब गैस बर्नर जला दीजिए, नीचे कैंडल जला दीजिए, है ना, कौड़ा जला दीजिए, ऐसे नीचे आलू भूजने के लिए जैसे करते हैं। लीजिए, इस इनका टेम्परेचर T1 और इस इनका टेम्परेचर T2। बताइए कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर होगा, T1 की T2? T1 ग्रेटर होगा। जिस इन से टेम्परेचर हीट की सप्लाई की जाएगी वो वाला ज्यादा गर्म होगा, ये वाला कम गर्म होगा। चलिए, लेकिन धीरे धीरे हीट पहुंचेगी, क्या कुछ देर बाद इसका भी टेम्परेचर इसके इक्वल हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं, कभी भी इक्वल नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए कि घंटे बाद इक्वल हो जाएगा T1 T2, कभी नहीं इक्वल हो। जैसे जैसे हार्ट वाले इंड से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल डाउन, टेम्परेचर डिक्रीज, धीरे धीरे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, टेम्परेचर में गिरावट आएगी। चलिए, जैसे जैसे हार्ट इंड की तरफ उल्टा बढ़ेंगे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, दूर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। मोटी मोटी बात है, समझ में भी आ गई। लेंथ कितना है इसका? एल। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हीट जो होता है ये फार्मूला आता है के ए और टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू बाई लेंथ, और इस ब्रैकेटेड पार्ट का नाम है थर्मल ग्रेडियंट। क्या नाम है? थर्मल ग्रेडियंट। अलग से पूछा जाता थर्मल ग्रेडियंट, आप कहिए टी वन माइनस टी टू बाई एल इंटू टी होता है। दिस विद हीट ट्रांसफर ऑफ हीट, नोट करिए इसको, फिगर बना के साफ सुथरा लिखिए। तो इसको नोट करिए, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते किसका डेफिनेशन है। आप लोग जरा बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलिए क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अगला वाला, फ्लो रेट ऑफ चार्ज करंट, फ्लो रेट ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। अब उसी तरह से यहां पर कह दें फ्लो रेट ऑफ हीट, आप कह दीजिए थर्मल करंट, कौन सा करंट? आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा, उष्मा के प्रवाह की दर को उष्मीय धारा। कितना सिमिलर, एकदम बिल्कुल हूबहू मैच करता हुआ नाम है। यहां पर लिखते हैं थर्मल करंट, थर्मल करंट, थर्मल करंट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से। क्या आता है जी? एच होता है क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। अगर वेरी स्मॉल अमाउंट में है तो डी क्यू बाई डी टी लिख दीजिए। तो क्यू बाई टी जब करेंगे तो कुछ नहीं, जो क्यू फार्मूला उसमें टी से डिवीजन ले लीजिए, यानी टी को धीरे से डिलीट कर दीजिए, मिटा दीजिए। ऐसे नहीं मिटाना है, नया फार्मूला हिसाब से थोड़ा लिख के दिखाना है। के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल, ऐसे एच बी द थर्मल करेंट। यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट क्या होगी जी? कैलोरी। इसकी यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर सेकंड। अच्छा, कैलोरी एसआई यूनिट थोड़ी है, सीजीएस है। तो हीट का एसआई यूनिट क्या है? एनर्जी की तरह होता है, तो जूल लिख दें और नीचे टाइम है तो सेकंड, जूल पर सेकंड। नो मोर, जानकारी बढ़ाइए थोड़ा,
कंपेयर करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। हमने आपसे वादा किया था जैसे ही करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे वैसे स्पीड अप हो जाएंगे, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ते समय काफी दौड़ते हुए निकलेंगे, आप फास्ट मूव करते हुए चलेंगे। जरा कंपेयर करिए, एच इक्वल टू ऐसे लिख दें टी वन माइनस टी टू बाई एल बाई के ए, चलेगा? एल बाई क्या था, के एक मल्टीप्लीकेशन था, हमने बटे के नीचे और कर दिया और एक बार नीचे कर दिया तो वहां से पलटी मारेगा फिर ऊपर के एस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, सेम चीज लिखे कि नहीं, सेम चीज लिखे हैं। तो इसको जरा बोल करके सुनाइए, ऊपर क्या लिख दें टेम्परेचर डिफरेंस, क्या नाम है इसका, और नीचे रेजिस्टेंस कह दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं रेजिस्टेंस, किसकी तरह है, कहां से किसके चेहरे से मैच कर रहा है, सिमिलर टू करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक याद आ गई, वहां पर करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चलिए वी ही लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ याद है वी बाई आर। तो उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर क्या है टेम्परेचर का डिफरेंस, मैच करा कि नहीं वर्ड, यहां पर रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक वाला, यहां पर रेजिस्टेंस है थर्मल वाला, इसको थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, वेयर और सचमुच में आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एल बाई के एल बाई, हाँ यहां पर यूनिट ओम हुआ करती थी आर की, लेकिन यहां पर ओम नहीं होगा, यहां पर भी निकालना पड़ेगा, इसका नाम क्या है जी, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। थोड़ी सी यूनिट के बारे में चालाकी बरतते हैं, यूनिट पहले के की यूनिट सीखा जाए फिर आर की यूनिट पे आते हैं। के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ना, चलिए के की यूनिट क्या होगी, यहां से निकालिए जरा के को हाइड करिए, क्यू है और इंटू एल और बाई ए, थोड़ी देर के लिए लिख ही लेते हैं हल्का हल्का, क्या लिख देंगे क्यू इंटू एल बाई ए, इतना टर्म हो गया और टी से मल्टीप्लाई है टी से डिवीजन हो गया ए टी, और टी वन माइनस टी टू ऊपर है तो यहाँ के नीचे आ जाएगा, ए टी वन माइनस टी टू, हर एक लेटर की यूनिट आप साफ सुथरा रख दीजिए आ जाएगी यूनिट। बोलिए हीट है तो कैलोरी रख दें, चलिए कैलोरी कैलोरी हो गया, मीटर है ये मीटर की स्क्वायर है और एक मीटर कैंसिल कर लेते एक मीटर नीचे बचेगा, कैलोरी पर मीटर, टाइम है सेकंड और नीचे डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में दूसरा टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट फिर कोई ना कोई टेम्परेचर और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस, या एसआई में लिखना है तो कैलोरी क्या लिख दें जूल, और पर मीटर इंटू सेकेंड इंटू डिग्री, या जूल पर सेकेंड, याद है पावर वाला फार्मूला डब्ल्यू बाई टी, जूल पर सेकेंड को पावर की यूनिट बोलते हैं यानी वाट भी कहते हैं, जूल पर सेकेंड को अर्बिट्रेरली एक शब्दों में क्या बोलते हैं वाट, या जूल पर सेकेंड को गायब करिए उसके बदले वाट लिखिए, वाट मीटर डिग्री नहीं सेकेंड तो यूज हो चुका है, जूल पर सेकेंड का प्लेस पर वाट लिखा, मीटर डिग्री सेल्सियस नीचे है, समझ पा रहे हैं, वाट पर मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस या वाट पर मीटर और इंटू डिग्री सेल्सियस को भी असाइन कर दीजिए, केल्विन कर दीजिए, ये हो गया वाट पर मीटर इंटू केल्विन। बोलिए अब आर की यूनिट देखिए, तो यूनिट ऑफ आर थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम मत बोलिएगा, ये चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, ये तो खाली कंपेयर के लिए दिखा है, तो यहां से क्या लिख दें के को पलट दीजिए और नीचे एक मीटर लगा दीजिए, के को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा मीटर केल्विन पर वाट, ऐसा आएगा, बोलिए, और एल बाई ए है मीटर और मीटर स्क्वायर, एक मीटर आ जाएगा तो मीटर मीटर कैंसिल, क्या यूनिट बनी पर वाट, साफ सुथरा लिखी केल्विन पर वाट होता है, नोट करिए इसको केल्विन पर वाट।
इधर के मटेरियल्स कर दे रहे हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, बस आपको इंटरेस्ट लेना आना चाहिए। और लोग मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशन है, ये सब हल्के फुल्के टॉपिक पढ़ के खुश होते हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इंजॉय ले रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स उसी तरह से जैसे हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, उसी का हल्का हल्का वेरिएशन, बदला हुआ मोड है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब कुछ और बातें सीखते हैं। जैसे आपको बताएं कि मान लीजिए ये टूल्स देखिए, रेजिस्टेंस लिखने क्या तरीका है, एल बाई के, एल बाई के। तो के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये पूरा नाम लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन कहिए आराम से। चलिए, तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक वाला क्या होता था, सिमिलर टू ये, वेयर यही लिख लीजिए एक बात और यहीं पे, आर क्या लिख दे, एल बाई सिग्मा ए, कितना मैच कर रहा है, इलेक्ट्रिक वाला ये है, एल बाई ए लेंथ बाई एरिया, यहां भी तो है, यहां पर सिग्मा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यहां पर के है थर्मल कंडक्टिविटी, कितनी मैचिंग। जब इतनी मैचिंग है तो सारा फार्मूला हम छूट दे रहे हैं। जितने फार्मूले आप सीखे हैं, जो भी व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वो सब कुछ यहां अप्लाई करिए, एकदम छूट है, सब चीजों उसी तरह से डील करिए। बस एक दो क्वेश्चन दिखाएं फिर आप एकदम खुश हो जाएंगे, अरे सब चीजें आ गई। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपने मेहनत पढ़ा है, ये फ्री में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। टूल्स देखिए, जैसे के, अगर थर्मल कंडक्टिविटी के है तो रेजिस्टेंस आर है, और थर्मल कंडक्टिविटी कहीं डबल हो गई तब रेजिस्टेंस आधा, अगर कहीं थर्मल कंडक्टिविटी आधी हो गई तब रेजिस्टेंस, बस अब कुछ नहीं। ऐसे ही मोटी मोटी बात दिमाग में से बैठा लेते, के जब थर्मल कंडक्टिविटी के है, जैसे ये कहा जाए कि ये एल लेंथ की राड है, एरिया ए है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, दूसरा एक ठो राड है बिल्कुल इसी तरह से, लेंथ ए है, एरिया है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी 5 के है, बताइए इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बाई फाइव, आर इंटू फाइव। कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो बढ़िया करंट सप्लाई होगी, हीट बढ़िया जाएगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो रोकने वाला फैक्टर्स कमजोर है। कंडक्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी क्यों घटी, क्योंकि रुकावट ज्यादा आई होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक उसी रेशियो में। के पर अगर आर है तो टू के पर आर, के बाई टू टू आर, समझ गए। जैसे के बाई टेन अगर लिख दें कंडक्टिविटी के बाई टेन, रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, टेन आर लिखेंगे। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी टेन के है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब आप समझदार है। अब इससे बहुत तेजी से हम लोग मूव करेंगे, प्रॉब्लम बहुत खटाखट तोड़ेंगे। लीजिए, लिखिए, प्रॉब्लम देखिए, आप भी क्या कहेंगे, इतने अच्छे अच्छे सवाल इतने हल्के में आराम से आप लोग समझ ले रहे हैं। कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस, एक राड है, इसकी लेंथ कितनी है, L, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, K, एक और राड इसी में वेल्डिंग कर दिया गया, सेम लेंथ की, थर्मल कंडक्टिविटी भी संयोग से K ही, देखते चलिए, इस इंड का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, कितना है, इधर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए इस पॉइंट का जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा, क्या होगा, कुछ गेस करिए, 100 और 150 माने 150, 150 75 होगा, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे जल्दबाजी से आप लोग मत बोलिएगा, नहीं तो सीधे सीधे कट हो जाएगा। माने देहाती टेक्निक नहीं लगाना कि जोड़ कर दिया ना, अर्थमेटिक में नहीं चलेगा, है ना। अब क्या कभी कभार हो भी जाता है अर्थमेटिक में, अक्सर नहीं चलता, तो उसके लिए देखना पड़ता है लेंथ क्या है, एरिया क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, सब बात है।
यहां पर कंडक्टिविटी के बाई टू है, लेंथ एल ही है और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना कठिन क्वेश्चन पहली बार बना दिए, देख रहे नहीं, बनाइए। पी पॉइंट है, अकॉर्डिंग एस फिगर पता लगाइए, फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, जो जोड़ है गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम बन रहा है, जंक्शन पी इन इक्विलिब्रियम, संतुलन की दशा में। गाना सुनाई दे रहा है आपको? इतनी मोटी मोटी दीवारें आपके मन को नहीं रोक पा रहे ही नहीं, मेले जैसी फीलिंग आ रही है कि आप मेले में बैठ पड़ रहे हैं, है नहीं। लीजिए चलो सर, यहां पर किरचाप कला हम आपको सिखाते हैं, कौन सा जंक्शन वन KJL या किरचाप का करंट ला KCL, पहला वाला ला KCL है, दूसरा वाला ला KVL है। यहां देखिए बाई KCL किरचाप के करंट ला से, किरचाप का करंट ला क्या है बताइए, जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी जंक्शन दूर आएगी, तो आप बताइए ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है, पी का ज्यादा है कि ये 100 ज्यादा है कि पी वाले ज्यादा होगा, 100 करंट इस तरफ चलेगी, और इसमें क्या 50 ज्यादा है कि पी के ज्यादा है, 51 ज्यादा है, पी के कम है, इधर आएगी। बोले जब मिक्सर मिलाते जैसे 180 डिग्री सेल्सियस पे खौलता हुआ पानी है और 20 डिग्री सेल्सियस पे एकदम सिंपली टैप चलाकर टोटी झड़क पानी ले लिया, और दोनों को बड़े बकेट में किसी बर्तन में मिलाकर पोर करके मिला दिया जाए, तो अब टेम्परेचर क्या होगा, 20 होगा कि 80 होगा, नहीं 20 से ज्यादा होगा, कितना होगा टेम्परेचर 80, नहीं नहीं 80 से कम होगा, उन्हीं के बीच में होगा। एग्जैक्टली मिड में पड़ेगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं ले सकते, एग्जैक्टली मिड में कब होगा 20 + 80/2 मतलब 50 कब होगा, जब दोनों लिक्विड सेम हो, दोनों का अमाउंट, दोनों की तौल मात्रा बराबर, तब जाकर के सेम होगा, हमेशा मीन नहीं निकालते। जनरल फार्मूला क्या है टेम्परेचर ऑफ मिक्सर का, M1C1T1 + M2C2T2 / M1C1 + M2T1 ना, नहीं M1C1 + M2C2 नीचे डिवीजन होता है। KCL देखिए, अच्छा फिर P का ज्यादा होगा 10 वाला एक कम होगा, इसका मतलब ओवरऑल करंट इधर चली जाएगी, ये करंट को बोल दे रहे हैं ऐसे I1, दिस विद द करंट I2, दिस विद द करंट I3, लेकिन यहां पर ऐसे हम लोग सपोज कर ले रहे हैं EH1 थर्मल करंट प्लस H2 इक्वल टू क्या H3, सही है, इसको राड नंबर 1 सपोज कर रहे हैं EH1, इसमें इसको राड नंबर 2 सपोज कर रहे हैं, इसको राड नंबर 3, ऐसे बोल दिए। बोले EH क्या लिखते हैं, EH लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिख दें 100 और माइनस टी कह दे रहे हैं उसका, इसका टेम्परेचर कितना मान ले रहे हैं टी, ऐसे अननोन टेम्परेचर, बाय रेजिस्टेंस कितना लिख दें, रेजिस्टेंस चलिए आर लिख देते हैं, कितना लिख दें ऐसे बोल दीजिए, H2 बोलिए, H2 इधर से इधर आ रही है इसका ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा जी 50 - T, और बाय रेजिस्टेंस कितना लिख दें EL और K सेम पैरामीटर है, इसका रेजिस्टेंस आर लिखिए। बोले यहां बोलिए करंट ऊपर से नीचे, भाई दूसरी तरफ से करंट आएगी तीसरी तरफ जाएगी, ये वाला करंट के लिए लिखना होगा तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, पी वाले का ज्यादा है कि टेन ज्यादा है, पी वाले का क्या लिखेंगे T - 10 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या लिखें जरा गेस करिए, कितना 2R, यही समझदारी है, फटाक से काम हो जा रहा है ना, बहुत साफ सुथरा, और लोग कैसे लगाएंगे जानते हैं H=T1 - C2 / L / K, बहुत भारी भरकम लगाएंगे, हम लोग रेजिस्टेंस से RAR लिख ले रहे हैं, देखिए कितनी सेटिंग है, कितना आराम मिल रहा है, R से R का निपटारा हो गया नहीं, हर जगह यहां से R कॉमन लेके बाहर ले लेंगे तो RR कैंसिल भी हो जाएगा। चलिए फायदा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर देखिए ये 100 ये कितना हो गया जी 50, 150 हो गया,
150 माइनस 2t, इधर क्या t माइनस 10 बाई 2। लीजिए अब आराम से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीरे गुणन कराइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं तो 300 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं तब तो 40 कम नहीं होगा, इधर t माइनस 10। चलिए 40 किधर उठा ले जाइए, और 40 इधर आएगा पुलिया पार करें जुड़ जाएगा, 5t लिख दें और 10 को इधर ले आइए, 10 इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 310। तो टी लिखना है तो क्या लिख दें, 310 बाई 5 कितना है जी 62। बहुत अच्छा, दिस बी द फाइनल जवाब, यही कंप्लीट आंसर है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बड़ा सवाल था, बहुत हल्के से एकदम पानी की तरह से डील किया हम लोगों। एक क्वेश्चन हम दें, आप लोग ट्राई करें। अच्छा अभी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सीखे ही नहीं, सवाल अच्छे अच्छे टेक्निकल लगाना शुरू, गजब भाई। अब की बार राड को थोड़ा सा मोटा दिखा दे रहे हैं। लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया इसमें सेम है, लेंथ 2L है, थर्मल कंडक्टिविटी फोर के है थर्मल कंडक्टिविटी। इस इंड का टेम्परेचर, हे यही तो जोड़ बन रहा है, यही जंक्शन है ना, दो अलग अलग मटेरियल की राड है। इस इंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इस इंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ये कौन सा इंड है, गर्म वाला सिरा, हॉट इंड है, ये वाला ठंडा वाला है, छूने पर ठंडक लगेगी, अच्छा लगेगा, कोल्ड इंड है। आपको जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, जो जोड़ है दोनों पर जंक्शन, ये जोड़ है ना, संधि यही है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, कितनी स्मार्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक नहीं, स्मार्ट स्टडी है, मैंने ऐसा लगे कि 2-4 मिनट बाद किए तो सब क्वेश्चन आ जाएंगे। नोन से अननोन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, पहले सवाल लगाते हैं फिर फार्मूले पर आते, फार्मूला क्या रहा होगा। अब देखिए कौन सा कैसा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज है पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट। एक बार पूरे के लिए करंट लिख लीजिए, वही इस टुकड़े के लिए, वही इस टुकड़े के लिए करंट है कि नहीं, ऐसा किए हैं। इतना मोटी मोटा दिमाग तो आप काम करना ही चाहिए कि इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, 100 से कम की ज्यादा, कम, 0 से कम की ज्यादा, बस ऐसे ही, इतना ही मोटा मोटा दिमाग चाहिए। मोटा दिमाग है भी आप लोगों का, है कि नहीं, तो इतने ही मोटे दिमाग की जरूरत भी, ऐसे ही हम लोग पूरा सवाल लगा जाएंगे। देखिए इन सीरीज, वही पुरानी बात, जैसे टुल्लू पंप से आप धनिया भरना चाहते हैं, टुल्लू पंप चलाकर पाइप घट गई तो उसी मोटी वाली पाइप जोड़ दे, उसी पुल जोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं, उसी मुंह में पानी लेकर पिचकारी मार पहुंचा रहे हैं क्यारी में, है कि नहीं, तमाम तरीके अप्लाई कर रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट, सीरीज में क्या कांस्टेंट, बस वही एक जड़ पकड़ना है। इन सीरीज करंट रिमेन्स कांस्टेंट, एक करंट को एच लिखने चलेगा, अरे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते तो आई लिखते, यहां एच लिखिए ना,
यानी H क्या लिख दें, H1 क्या लिख दें, H माने पूरे के लिए, H1 माने पहले के लिए, H2 माने दूसरे के लिए, ये स्टाइल है से लिखने की। बोलिए क्या लिख दें, पूरे के लिए 100 माइनस 0, देखिए कितने स्टाइल से लिख रहे हैं, बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, जैसे इसका रेजिस्टेंस आप अगर R सपोज करते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या सपोज करेंगे, R by 2, क्योंकि चौगुना हुआ तो R by 4 होता, लेकिन लेंथ डबल हो गई ना, ऐसा करिए ना, झगड़ा से दूर रहिए। L by KA को क्या बोलते हैं, R, यहां पर L by KA निकालिए, 2L by 4K और into A, और जहां L by K दिखे उसके जगह R तो खड़े कर सकते हैं, तो क्या लिख दें, ये तो 2 से कैंसिल, R by 2 आया। अगर इतना तेज समझ लें तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो L by K कर निकालिए, चलिए कहीं दूर। बोले जैसे लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर, ठीक ठीक वही दी, कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, जस्ट उल्टा, तो लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस R by 2 हुआ, नहीं रेजिस्टेंस 2R हुआ, और कंडक्टिविटी 4K हो गई तो रेजिस्टेंस by 4 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल कर दे R by 2, समझ गए, इतना समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, सारी तकलीफें एकदम दूर। 100 माइनस 0 बाई इसका रेजिस्टेंस R और उसका रेजिस्टेंस R बाई, इसका रेजिस्टेंस R बाई 2 होगा, कंफर्म है कि नहीं, यही सब चीजें स्मार्ट टेक्निक है, यही सब चीजें आसान बनाती हैं, कुछ चीजें दिमाग में कैलकुलेट करना होता है और आदत बन जाएगी, फटाक से बोल देंगे। जैसे हम बोले चलिए इसके लिए L है, A है, इसका K, इसका रेजिस्टेंस अगर आप R बोल रहे हैं फिर इसका क्या बोलेंगे, जरा सुनाइएगा, इसका इसका 10K है, कितना है, और इसका लेंथ 2L, लेंथ कितना है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, गेस करिए, इसकी वजह से 10 और इसकी वजह से ठीक 2 कट जाएगा, कितना गया, इतना तेज अगर समझ ले रहे हैं बस आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, पीछे होंगे तो खुद अपने वही कमजोरी की वजह से, है ना, खुद से लंगी लगा गिरेंगे तभी मुस्माती उठाएंगे, बाकी और कोई पीछे नहीं है आपके, समझ गए, माने आपको क्या करना है, जो के का मल्टीपल रहेगा उसको नीचे करिए, लेंथ वाले का सीधे सीधे ऊपर, तो ये जो बच्चे को हो गया, समझ गए कि नहीं, आज इनको नहीं आती टेक्निक अपना एल बाई के ए करते हैं, आपको भी नहीं आता आप भी कहीं कोने एल बाई के ए ही कर लिया करिए। बोलिए पहले वाले के लिए बोलिए, टेम्परेचर डिफरेंस 100 और इसका अननोन टेम्परेचर को टी बोल दें, चलिए बाई क्या लिखें, चलिए सही है, इसका बोलिए, इसका जरा बोलिए करंट, इसमें बोलिए हाँ टी माइनस, अब आई कितना मजा आया भाई, हर जगह से आर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये वाला 3/2 R हुआ, खाली टी में ही देख रहे कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा सॉल्व कितने छोटे में भी हो गया, खाली टी ए नोन बचेगा, अब कर ले जाएंगे क्या आ जाएगी 100/3R/2 इक्वल टू 100 माइनस टी बाई आर इक्वल टू 2T/R, और चाहे थे 2 वाला ऊपर कर दीजिए तो यहाँ 200 हो जाएगा, चलेगा, 3/2 होता तो 2 ऊपर चला गया, पल्टी मार गया, तो R R R का निपटारा हो गया। आपको T निकालना है तो कहीं से लिख लीजिए, चाहे पहले और इसका बैलेंस कर लीजिए, चाहे जहां से बैलेंस कर लीजिए, कहीं से बैलेंस कर, देखिए हर हाल में वही आएगा, जैसे हे इसी को बैलेंस कर लीजिए, इसी को क्या लिखेंगे, 100 इक्वल टू 3t लिख दें, टी इक्वल टू क्या 100 बाई डिग्री सेल्सियस, चलेगा कि नहीं, 100 में 3 से भाग दीजिए 33.33 आएगा, समझ गए होंगे, आप मन कर रहा नहीं हम यहां से निकालेंगे, ये पहले और तीसरे से निकालेंगे, देखते हैं गलत तो नहीं आता, सब इक्वल है कि नहीं, पहले और तीसरे से निकालेंगे क्या आ जाएगा 200/3 इक्वल टू लास्ट वाला 2t, यही है, तो 2 काट दीजिए तो 100 आ गया, ठीक है आ गया, फिर 100/3 आ गया, नहीं 100/3 मतलब वही चीज, समझ गए, कोई दो पार्ट लेकर कपड़ा निकाल लीजिए। अब इस टाइप लगाने के लिए तैयार हैं आप, बोले हाँ। थर्मोडायनेमिक्स का जो मैनुअल ट्रीटमेंट किया, बहुत बेसिक्स लगाया तो उसका समय ज्यादा खाएगा, परेशान होगा, उलझन में रहेगा,
अब इससे आपको फीलिंग आ जाएगी, ये तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक की तरह है, एकदम उसी तरह से मैच कर रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग लगा देते तो मजा आ जाता है, लगाएंगे? चलिए और चेक भी करा दीजिएगा। देखिए एल है कि फोर के थ्री एल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नंबर दे दें तब देखें दिमाग काम करता है कि नहीं। इधर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और इधर का 0 डिग्री सेल्सियस, न लीजिए इधर कुछ कर दे रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ जोड़, जो जंक्शन है, वेल्डिंग पॉइंट, इस सवाल की कीमत तब आपको समझ में आएगी जब किसी दूसरे के सामने रखेंगे और वो 10-10, 15-15 मिनट बाद आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे और आप चुटकी भर में एकदम स्माइलिंग मोड मुस्कुराते हुए जवाब दे देंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके पास जो टूल और टेक्निक है कितना उसमें दम है। देखिए एच वन इक्वल टू एच टू कर दें हल्के में, अरे भाई एच इक्वल टू एच वन इक्वल टू एच टू, जरूरत एक पड़ती है तो पहले में करंट और दूसरे में करंट, पहले करंट क्या लिख दें 80 माइनस इसका टेम्परेचर सपोज कर ले रहे हैं टी है बाई इसका रेजिस्टेंस ब्रांडेड एकदम ओरिजिनल फॉर्म में मानिए आर। आइए इधर इसमें करंट लिख डालिए तो टी माइनस 10 लिखे 10 माइनस टी, बस यही सब समझदारी है। बाई इसका रेजिस्टेंस क्या लिखें बोलिए, इतना अगर लिख पा रहे हैं तो आसानी से काम हो जाएगा और हल्के देखिए काम हो रहा है कि नहीं, एकदम स्मार्ट हल्का हल्का पेन चलाना है। अब बोलिए तो यहां पर ऊपर ले जाइए इसको, थ्री की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 तरीक चलिए 80 माइनस टी इक्वल टू 4 टी माइनस 10 बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 8 24 240 माइनस 3 टी, इधर 4 से मल्टीप्लाई करिए 40 माइनस 40, अब आपको टी तक पहुंचना है 3 टी इधर ले आइए, 3 टी इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 70 लिख दें और 10 40 इधर आएगा जुड़ जाएगा 280 चलेगा, बोल नहीं रहे तो टी चाहिए तो क्या लिख दें 280 बाई टी इक्वल टू 728 56 नहीं आएगा भाई, 18 भी नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक। टेम्परेचर कितना है अब निकालना सीख गए, पहले में करंट इक्वल टू दूसरे में करंट इक्वल टू, और लिखना हो तो ओवरऑल में करंट, लेकिन दुई स्टेप की जरूरत, एक कई स्टेप की जरूरत है, कुल 2 इक्वल टी मार्क लगा कर नहीं, समझ गए कि नहीं। चलिए बिना एक्चुअल टॉपिक को डील किए हम लोग बड़े बड़े सवाल लगाना सीख गए, इससे डर खत्म हो गया। अगर वही रेजिस्टेंस को मैनुअल आप निकालना शुरू किए होते तो होता क्या, एल बाई के कटता ही कटता है ना, लेकिन ऐसे लिखने पर स्मार्ट टेक्निक दिमाग हम लोग तेज हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस अगर आर मान है तो इसका लेंथ वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, के वाले का डिवाइड करते हैं, है कि नहीं, तो उसका रेजिस्टेंस 3R बाई। चलिए यही जंक्शन का टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट होता है। एक सवाल बढ़िया लगवा दे क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज याद है आप लोगों को, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या था, 4 रेजिस्टेंस किनारे किनारे और 1 रेजिस्टेंस डायगोनल में, अगर रेशियो इक्वल है रेजिस्टेंस का P बाई Q इक्वल टू R बाई S या जो भी आप पढ़ें अपनी भाषा में R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R, तो 5th रेजिस्टेंस विल बी फ्लाक्सी नाक्सी नीली फीली फिकेशन होगा। 5वां रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
फ्लॉक्सिन ऑक्सीजन इलिफिलिफिकेशन हो जाएगा। फ्लॉक्सिन ऑक्सीजन इलिफिलिफिकेशन माने यूजलेस, डिक्शनरी का सबसे बड़ा ये ज्यादा वर्ड कंटेन करने वाला वर्ड है, ज्यादा लेटर्स कंटेन करने वाला वर्ड, फ्लैक्सी नैक्सी नीली फिलिफिकेशन, जिसका मतलब यूजलेस होता है, खोइया कुछ नहीं है ना, बेकार। जब इतना जानते तो आइए क्वेश्चन लगाया जाए ना, सवाल तोड़िए, सवाल सवाल तोड़ने में ही सचमुच परख होती है कि आपके पंखों में कितना दम है। पंखों से उड़ान कर रहे हैं, खाली हौसलों से उड़ान कर रहे हैं। इसमें आपके बीच में जो आपकी जूनियर एक बैठी हुई है, शिवानी, शिवानी यादव, वो स्टेट लेवल पर अपना प्रदर्शन दिखाई है, ये किस पर था जी तुम्हारा भाषण? हाँ, आयुर्वेद का महत्व, ये थी। और आप ही लोग ग्रुप से एक और आपकी जूनियर, वो भी थी साक्षी यादव, जो हाँ वो भी यहीं पढ़ती थी, साक्षी भी, साक्षी भी जानते हैं नहीं आप लोग, जो आती थी, जो ट्वेल्थ में थी, ट्वेल्थ ही यूपी बोर्ड ही था, बीआरपी इंटर कॉलेज से, लेकिन इंग्लिश मीडियम था। ये लोग काफी दूर दूर तक बड़े बड़ी भीड़ को ये लोग संबोधित किए हैं, है ना। चलिए, इन लोग काफी प्राइज भी मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है, खूब गौर से खाली सुनना है। अच्छा श्रोता बनेंगे, अच्छे वक्ता जरूर बन जाएंगे आप। लीजिए, हाँ, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, लगाइएगा नहीं। चलिए, ये भाई राड बनाने में समय लगता है, ऐसे ही सिंगल सिंगल से पतला पतला सरिया बना देना। ये पी पॉइंट है, इसका टेम्परेचर 100 है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। देखिएगा, लेंथ एल है, थर्मल कंडक्टिविटी के है, लेंथ एल है, थर्मल कंडक्टिविटी के है, एल के एल, लेकिन 2 के, एल और लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी 2 के, देखा है। और बीच में एक राड कनेक्ट कर दी गई है, बीच में एक राड, इसकी लेंथ 3L है, कंडक्टिविटी 5K है। देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा कठिन क्वेश्चन बना रहे हैं, आप बताइए इसमें। जैसे A और B बोल दें तो किस एंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा, A का कि B का? A एंड का टेम्परेचर ग्रेटर होगा B एंड का? दोनों का सेम, दोनों का। इसमें कोई हीट फ्लो करेगी कि नहीं? नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर जैसे इसका रेजिस्टेंस मानते हैं आप, इसका रेजिस्टेंस क्या मानेंगे? आर, इसका भी आर, इसका क्या होगा? आर बाई टू, इसका क्या होगा? तो रेशियो लेंगे आर बाई आर बाई टू, वही हाल इधर भी आर बाई आर बाई टू सेम आएगा कि नहीं? तो कैसा ब्रिज है? वीट स्टोन का बैलेंस ब्रिज हुआ, और बैलेंस ब्रिज हुआ तो ये वाला बेकार हो जाएगा कि नहीं? बेकार होने का मतलब क्या है? जैसे पंखा लगा है लेकिन किसी काम का चल नहीं रहा, उखाड़ फेंकी ऐसे पंखे, क्या मतलब है दिखावटी? क्योंकि इसका तार कनेक्शन सही नहीं है कि नहीं, तार कहीं चूहा काट दिया है, इस वजह से करंट नहीं फ्लो कर पा रही इसमें। तो यहां पर थर्मल करंट नहीं फ्लो करेगी, थर्मल करंट कब नहीं फ्लो करेगी? जब दोनों एंड का टेम्परेचर सेम है। करंट कब फ्लो करती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। कब नहीं फ्लो करेगी? जब पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो, नहीं समझ पा रहे? जैसे एक पाइप लीजिए, पाइप में पानी भर दीजिए, रंगीन पानी है ना, जिससे दिखता रहे कौन कितना ताकतवर, कौन कितना खाया पिया। लीजिए, एक एक आदमी को बुलाया कि आइए यहां खड़े होइए, हमारे और आपके बीच कंपटीशन है, किसके पास फूंक मारने की क्षमता ज्यादा है,
है कि नहीं, पाइप में पानी भर लिया और ऐसे इधर मुंह में हम डाल लिए हैं पाइप को, और उधर वो फलाने जो है वो डाल लिए हैं, हीरा लाल मोतीलाल जो भी नाम है, उधर वो पाइप पकड़े हैं, इधर इधर सब फूंक मारे खुद तेजी से फूंक मारे, पता लगा उनका ऐसे मुंह फूल गया, पिचकारी ऐसे बगल बगल से निकल जा रही है। अब की बार उनकी बारी, वो कह रहे हैं अच्छा अब हम मारते हैं, उधर से फूंक मारेंगे इधर हमारे मुंह से पिचकारी निकल जाएगी, और दोनों लोग सेम तरह सेम प्रेशर अप्लाई करें तो पानी किसी भी तरफ नहीं जाएगा, वहीं बीच में स्टेशन रिमोट रुका रहे। यानी वाटर फ्लो के लिए कौन सा फैक्टर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए सेम, कि प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, दाब में अंतर होना चाहिए। तो वाटर फ्लो किधर से किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई से लो। आंधी तूफान क्यों आते हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर लो प्रेशर तरफ जो पेड़ पौधे पत्ते हैं सब कुछ अपना उड़ना चालू कर देते हैं, धूल मिट्टी घर सब कुछ ब्लो करना चालू कर देता है, हाई से लो की तरफ। जान लीजिए हर चीज के फ्लो के लिए, प्रवाह के लिए डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे आप लोग ऐसे हाथ बांध करके ऐसे चुपचाप होकर सुन क्यों रहे हैं, हमारे आपके बीच का ज्ञान का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, नॉलेज डिफरेंस है, तभी आप सुन पा रहे हैं, नहीं बीच बीच में टपकना शुरू कर देते, हमारी बात को उलटना शुरू कर देते, है कि नहीं, नॉलेज डिफरेंस यहाँ काम कर रहा है, तब आप सीख पा रहे हैं, हाई नॉलेज कम नॉलेज के बारे ज्ञान का प्रभाव हो रहा है। ध्यान दीजिए, करंट के फ्लो के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस, किसका जरूरी है, पोटेंशियल। हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस, एयर के फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस, है ना। हम लोग सुन कैसे पाते हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, किसकी वजह से सुन पाते हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। कान में एक पर्दा लगा होता है मेम्ब्रेन, वही हम लोगों की आवाज जाती तो उसी पर नाक करती खटखटाती, और जितने फ्रिक्वेंसीज वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट होगा वही वाली साउंड हम लोग रिसीव करते हैं। हम लोग कैसे सुन पाते हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड ऑन आवर कान्स, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड ऑन आवर, हम लोगों के ईयर पर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं, यकीन नहीं है, थोड़ा सा गीली मिट्टी उठाइए, कान में से परमानेंटली से लॉक करा लीजिए, उनका पुतनी माटी से जाम करा लीजिए, अब हमारी बात का कोई असर नहीं। अब खाली ऐसे सोचेंगे, अरे भाई क्या ऐसे मुंह बा रहे हैं, क्यों मुंह बंद कर रहे हैं बार बार, है कि नहीं, ये कान उंगली डालेंगे तो सुनाई देगा। आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं ऐसा गार्जियन कहते हैं, इसका 50 अच्छा 40.2 अच्छा, हम तो बताने में इधर कहानी सुना रहे थे, हंसी मजाक चल रहा है, इधर निकाल रहे हैं, और कोई चलिए। ऐसा लोग कहते हैं भाई बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो बात सुन रहे हैं, वो अपना गाना बजाना सुन रहे हैं, वो ईयरबड्स लगाए हुए हैं कान में, वो नहीं रहेगा तब तो आपकी बात सुनेंगे, वो कान लगा के चल रहे हैं, अपना कीमती समय उसे फालतू में जाया नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, रास्ता चलते रहते तभी मोबाइल वोबाइल सुनते रहते हैं, अपना कुछ सुनाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई दिन भर करना है, बात करने कब समय मिलेगा, लेकिन इसलिए जब जब मौका मिलता है बीच बीच तब तक अपना बतियाना शुरू कर देते हैं, तब तक मोबाइल ऐसे जग रही है कि नहीं, तो उसको देख करके स्क्रीन पर से देखने ढकेलना खिसकाना इधर उधर करना कुछ कुछ करते रहते हैं मेहनत। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी। लीजिए इनामी सवाल है, प्राइज विनिंग प्रॉब्लम, 2 रुपए की इनामी सवाल, हाँ 2 रुपए दे सकते हैं। चलिए हम तो कह रहे हैं आप ऐसा ही फील करिए ना, अभी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से बाहर नहीं निकल पाए, हल्की हल्की याददाश्त से आंख बंद करिए, जिससे उसी में भी पड़े हुए कोमा वाली स्थिति है। 60 अब बात मत बदलिएगा। चलिए अब देखिए ये कितना है जी, 100, इधर कितना है 0। अब सीन को समझिए, ये 3L5 के जो टेढ़ा मेढ़ा डाटा दिया है, ये रॉड यूजलेस है कि यूजफुल है, ड्यू टू बैलेंस फीट स्टोन ब्रिज। देखिए लगाने के लिए हमने क्या तरकीब अपनाया, हमें एल और के में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए 40। अच्छा देख रहे हैं, जितने लोग उतने आंसर, और जब ऐसी स्थिति आ जाए सवाल लगाने की जरूरत है। इसी तरह से एग्जामिनर लोग आंसर बनाते भी हैं, ऑप्शन इसी तरह से क्रिएट करते, सवाल ऐसे बनाए 4 लोगों को बांट दी,
पूछ रहे हैं भाई लड्डू कैसा है, तो कहेंगे हल्दी ज्यादा है इसमें, ये तो सठौरा टाइप बन गया है, आप बताइए चीनी कम मिला है, कि नहीं। सब लोग अपना अपना अनुभव बताएंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर की जो सेटिंग की जाती है उसी तरह से जो आप निकाल रहे हैं उसी तरह मनभावन आंसर इसमें मैच कर सकते हैं, तब आपका विश्वास चौगुना हो जाएगा, हमने मेहनत भी की आंसर भी दिखा तो इसी पर उठ बैठिए, है कि नहीं। लीजिए चलिए, कुल मिलाकर के ये बेकार हो गया, इसको हटा दें, छटका दे रहे हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस आर बोल रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस आर बोल रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या बोले, बहुत सही, इसका रेजिस्टेंस एक झंझट से और मुक्ति, जो आर बाई टू लिखते थे ना, इसी का आर बोल दीजिए ना, इसी का आर बोल दीजिए, तो इसका टू आर, इसका टू आर, चला की करिए, या वैसे ही लगाएंगे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, डर लगता है और क्या बाई वाई में, इसका रेजिस्टेंस बहुत सही। अब आप बताइए, यार ध्यान समझिएगा, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होना है जी, सोच के बोलिए, पहले ये बताइए इसका रेजिस्टेंस 2R और 2R कितना हुआ जी, 4R, R और R सीरीज में कितना हुआ, अब 4R और 2R पैरेलल में 4/3, बोलिए, अरे ये 4 हुआ और इधर कितना हुआ 2R, तो पैरेलल में क्या होता है, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8R, नीचे ऐड करेंगे तो 6, बोलिए, तो ये कैंसिल कर देंगे 3/2 आ गए, सही है नहीं, 4/3 आ जाएगा, समझ पाए कि नहीं, इसका रेजिस्टेंस क्या आ गया 4R/3 चलेगा कि नहीं, एकदम स्मार्ट टेक्निक लगाइए, कम लिखना चाहते हैं दिमाग को चलाइए, पेन को कम चलाइए, फिर सुनिए आराम से, घबराइए नहीं, रेजिस्टेंस अगर 2K वाले का अगर आप R ने माना है, R माना है तो खाली K वाले का 2R, या ऐसे बोलिए इसका अगर R मानते थे तो R/2 मानते थे, तो इसका R/2 इसका R, डबल है कि नहीं, ये सीधा सीधा R माने R में, तो इसका 2R, समझ गए कि नहीं, ये अब क्या 2R कैसे है जी, सीरीज, और सीरीज में बच्चों का खेल है, सीधे जोड़ी 4R, आर आर सीरीज है, सीरीज में बच्चों का खेल है, इसका 2R हो गया, और पैरेलल क्या करते हैं, उलट करके 1/1 करके, तब या चलाकी करिए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ऊपर गुणा नीचे जोड़, गुणा कराएंगे तो 8R² होगा, 8R का स्क्वायर, नीचे जोड़ लेंगे तो 6R होगा, 1R से R कटा, 2 से काट दीजिए, समझ गए होंगे। अब आप बताइए इसका टेम्परेचर अगर टी बोल दें तो क्या लिख दें, H1=H2 लिख दें, यहां और फिर यहां सीरीज तो है, बोले या इसको ऐसे फिगर के माध्यम से ऐसे बना लीजिए ना, ये देखिए एक राड ये है भैया, इसका रेजिस्टेंस 2R है, टेम्परेचर 100, या क्या यहां 2R होगा कि, जैसे इसको आपने R माना है, इसको आपने माना है 2K वाले को, खाली K वाले को डबल हो जाएगा, सही लिखे हैं, इसका क्या होगा जी 4R/3, बस अभी तक काम बनाई, बोलिए इसका टेम्परेचर अगर T सपोज कर रहे हैं मन ही मन, तो बोलते क्यों नहीं H1=H2, खाली इतने से काम लीजिए ना, क्या हो जाएगा, हाँ 100 माइनस, हम यहां लिख देते, क्या हो जाएगी 100 माइनस टी बाई रेजिस्टेंस कितना उसका, बोलिए तो इसी अंदाज में, अब बाई 4R और बाई 3 चलेगा, R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल, क्या जाएगा 100 माइनस टी बाई कुछ नहीं, 2 कैंसिल कर दे रहे मन में ना, और इधर 3T/2 कर दें, चलेगा, थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्ट करें, 2 से कैंसिल भी कर दिए, 2 आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 200 - 2T इधर 3T, 5T हो जाएगा भाई, T=2, कितना मजा आ रहा है भाई, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कितने चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं, डर खत्म हो जा रहा है, जो फोबिया था मन का भय था वो दूर हुआ, अब कोई नया क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बना दीजिए, है ना।
एक छोटी सी छेनी छोटी सी हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ने चले हैं। वो कौन माझी था, माउंटेन मैन, क्या नाम था उसका, दशरथ माझी। अब कर जाएंगे, सही है, चलिए, यानी मजा आ रहा है लगाने में, देख रहे हैं। आखिर सलूशन आपने कितने में दिया, सलूशन तो यही तरही में दिया, क्या था ये, यही लिख दीजिए, वीट स्टोन ब्रिज है, वीट स्टोन ब्रिज था, इसी वजह से बीच वाला छूट गया, कोई काम नहीं। अगर कोई जबरदस्ती करता है, बताइए ए और बी का टेम्परेचर इक्वल होगा कि अनइक्वल, आपका इक्वल होगा, बराबर होगा। ए और बी माने जो ये राड है बीच में जो कनेक्टेड है, इसमें कोई थर्मल करंट हीट का फ्लो होगा कि नहीं, आपका ये नहीं होगा। अगर कोई पूछ लेता कि नहीं बताइए कितना टेम्परेचर होगा, तो उसको निकाल सकते हैं, जो भी होगा ए और बी का सेम होगा, कितना टेम्परेचर होगा उसको निकाल लीजिएगा अपना ना, फिर उसे करंट वाली प्रॉपर्टी लगा, हो गया जी। चलिए अब छोटी शेडिंग डालते हैं, कॉम्बिनेशन सीखते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने लोगों सही थे भाई, 2 रुपए की नामी सवाल था, हमने पूछा नहीं, मन ही मन तकलीफ हो रहा होगा, 1 लोग सही है, लीजिए हम दे दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए हमने आपको दे दिया तब एक सवाल और पूछेंगे, तैयार हैं सब लोग, तैयार हैं भाई, चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ राड्स, छड़ को जोड़ना, फेविक्विक लगा के नहीं, बाय वेल्डिंग प्रोसेस। तो इनको इनाम तत्काल दे दिया जा रहा है, बाकी इनाम बहुत है आप लोगों का, लीजिए ले आई काफी कुछ भी मिल जाए भाई, 2 रुपए की नाम मतलब कम से कम 4-5 फुलकित मिलेगा ही, 2 रुपए की नाम इनको दिया गया नहीं फुलकित कम से कम जूस ही मिल जाए, उसका पानी मिल जाएगा चलिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ राड्स, आप लोग जो बकाया धनराशि है, जो इनाम आप जीत करके स्टोर कर चुके हैं वो हमें याद है, उसको किसी भी दिन ऐसे एट रैंडम हम दे सकते हैं, जिस दिन भीड़ कम रहेगी लोग कम आएंगे उस दिन अनाउंस कर उस दिन तत्काल दे देंगे, जो नहीं आएगा उसका इनाम तो पेंडिंग में रहेगा भाई, तब फिर से ऐसे इशू होगा बजट, फिर तब आएगा वैसे इनाम बढ़ गया है आप लोगों का, देंगे हम नेक्स्ट टेस्ट से पहले ही दे देंगे, अगले टेस्ट से पहले। और जो अप्रैल मंथ में आपको बुलाकर खूब लंबी लंबी क्लास चलाई जाएगी, खूब पढ़ाया जाएगा, पर डे ऐसे DPP होगा इसी अप्रैल मंथ में, यानी कि 1 हफ्ते बाद, तो उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, डरिए बिल्कुल नहीं। पहले दिन मार्क आपका कम आता है, मान लीजिए 50 नंबर आया, 100 नंबर आया, टोटल मार्क नीट के लिए 720, IIT के लिए 360, जितना भी आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करिए, फिर कमर कस लीजिए कहाँ कमी है, घर जाकर उस पर ज़्यादा फोकस करिए, तैयार कर लीजिए। एक टॉपिक बताया जाएगा भाई, इस टॉपिक को पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए, यहाँ पर शॉर्ट वे में समरी उसकी समझाएंगे हम पूरी बात, जैसे मैकेनिक्स आप पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़े हुए खूब मन से, हमने भी खूब अच्छे से पढ़ाया, लेकिन हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट, है ना, पूरा न्यूटन्स ला फिर से समझा, देखिए यही न्यूटन्स ला है, एक्सेलरेशन निकालने का एकदम अचूक फार्मूला, एकदम ब्रह्मास्त्र है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाई मास, इससे आप टेंशन निकाल सकते हैं, रिएक्शन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए तो है ही, यानी तमाम खूबियों से लैस है फार्मूला, 1 तीर से 10-5 निशाना, 2 निशाना नहीं 10-20 निशाना ऐसे कई काम करिए। चलिए तो अब
सचमुच वाला देखिए, सीरीज कम्बिनेशन सीखा जाए, दो तरह कम्बिनेशन, जैसे रजिस्टर कम्बिनेशन, कैपेसिटर कम्बिनेशन, वैसे यहां पर राड का कम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल दो कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का आप फिगर जरा दिखाएंगे, बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, आसान है। ये सीरीज कम्बिनेशन, इसका टेम्परेचर T2, बताइए कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर होगा, T1 ग्रेटर कि T2 ग्रेटर? कैसे बताएंगे? हीट का फ्लो देखकर। चलिए इधर से हीट की सप्लाई कर रहे थे, कौन ग्रेटर? अच्छा मान लीजिए इधर से कर देते तो T2 ग्रेटर हो जाता, समझ गए कि नहीं? माने फ्लो किधर से किधर हो रहा है, ये हीट का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई से लो कि लो से हाई? पूरी बात बोली, क्या हाई क्या लो? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर से किधर? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ना। चलिए हम हीट का फ्लो इधर से ही करा रहे हैं, हीट का फ्लो इधर से ही हो रहा है, क्यों? तो ये जंक्शन है जोड़, इसका टेम्परेचर क्या होगा आपकी जिम्मेदारी है। लेंथ L1 है, ये थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी लेंथ L2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2। इसमें अच्छा सवाल क्या बनता है, जंक्शन का टेम्परेचर निकालना। हेडिंग आज हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तोड़ चुके हैं, टूट गया ही नहीं। क्या लिखेंगे यहां पर, बोले H1 = H2, सीरीज कम्बिनेशन क्या कांस्टेंट? करंट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? कौन सा करंट? थर्मल करंट। चलिए तो H1 = H2 करिए, तो H1 यहां से इसके लिए बोलिए, कितने लोग बोलेंगे फार्मूला, जरा हाथ उठा करें, इक्वेशन बनाना। बस देखिए क्या लिख दें, T1 - T, अब भाई इसका रेजिस्टेंस क्या लिख दें, R1 लिख दें? बोलिए भाई कुछ सेट नहीं पड़ता, R1 बोल दीजिए ऐसे। इक्वल टू दूसरे वाले बोलिए T - T2 भाई लिख दें। ये R1 का मतलब क्या है, R1 मतलब L1 / K1A, R2 मतलब L2 / K2, ये भी जानते रहे, भूलिए मत। इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तभी वेल्डिंग अच्छी हो ही पाएगी जब सेम मोटाई के रहेंगे तब। इसका भी A, सबका AA है, तो यहां पर हो जाएगा वेयर R1 मतलब L1 / K1 * A, R2 मतलब क्या बोल दें जी, L2 / K2 * A। जरा इसे वैल्यू रखिए, T1 - T / R1 की मीनिंग रख रहे हैं, L1 / K1 * A इक्वल टू या ऐसा करिए ना, थोड़ा एक लाइन और लिख लीजिए, H1 = H = पूरा H लिख दीजिए, पूरे होल सोल के लिए यहां इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ T1 - Y सादा R, ठीक। ये R1 हो गया, R2 हो गया, और R क्या होगा, R केवल R, तो L1 + L2 / K * A। भाई पूरा लेंथ यहां से यहां तक पूरा लेंथ दिख रहा है L1 + L2, और कंडक्टिविटी केवल अकेले K लिख रहे, ऐसे लिखेंगे, ये लिखने का आपका फार्मूला है। समझ गए, रेजिस्टेंस लिखने का क्या तरीका है, Length / K * A, पूरे के लिए लिखना होगा, तो लेंथ कितनी हो गई यहां से यहां तक, L1 + L2, और न K1 न K2, पूरे का अकेले क्या मान ली, सचमुच में K मान ली, K। तो क्या आ जाएगी जी, दूसरे वाले बोलिए
टी माइनस टी टू बाई एल टू बाई के टू इंटू ए। लास्ट वाले बोलिए, लास्ट वाले नहीं, टोटल कंप्लीट के लिए टी वन माइनस अबाई अबाई, ठीक क्या कैंसिल हो कुछ पता है, एरिया हर जगह से निपट गया, एरिया गायब। तो अब पलट दीजिए इसको, ऊपर ले जाइए, के वन इंटू टी वन माइनस टी, टी वन माइनस टी बाई एल वन, इधर के टू टी माइनस टी टू बाई एल टू, इधर के इंटू टी वन माइनस टी टू बाई एल वन प्लस एल टू। ये चीज, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। यस, आपको निकालना है दो चीजें। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट ओवरऑल कंडक्टिविटी पूछी जाती है, इसका के वन इसका के टू, के कितना होगा, और ओवरऑल रेजिस्टेंस पूछा जाता है, और जंक्शन का टेम्परेचर। तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या क्या, के आर और टी निकालना, के आर टी। चलिए पहले और दूसरे पार्ट को बैलेंस करिए, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो की मदद लीजिए। तो वी है क्या, हाथ लगेगा यहां से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, सीधे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, के वन टी वन बाई एल वन, और ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, माइनस के वन टी बाई एल वन, राइट हैंड इधर के टू टी बाई एल टू, यहां मल्टीप्लाई करिए, माइनस के टू टी टू बाई एल टू। इससे क्या निकाल सकते हैं आप, टी जंक्शन का टेम्परेचर। तो ये देखिए, ये दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट, ये जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, इनको इकट्ठा करिए, राइट हैंड में ले लीजिए, तो टी का अमल ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, के वन बाई एल वन प्लस के टू बाई हो जाएगा, और इसको इधर उठा लाइए अंडरलाइन वाले को राइट हैंड में, बाकी बिना अंडरलाइन को लेफ्ट साइड में, इधर ले आई तो के वन टी वन, अरे बड़ा सिस्टमेटिक है, बाई एल वन प्लस एकदम उसी टोन में, इधर आएगा प्लस के टू टी टू बाई, हमें देखिए भाई टी में इंटरेस्ट है, केवल जंक्शन का टेम्परेचर निकालने आए हैं, उसी के लिए परेशान थे, ले जाइए आपका उद्देश्य पूरा हुआ। इस डिब्बे से डिवीजन क्या लिख लिया जाए, के वन टी वन बाई एल वन प्लस के टू टी टू बाई एल टू डिवाइडेड बाई के वन बाई एल वन प्लस के टू बाई एल टू, नोट करिए। ये लिखने का तरीका है, ये और साइड में लिखना चाहते थे, इधर देखिए के वन टी वन और एल टू, फिर के टू टी टू और यहां एल वन, होल बाई क्या जाएगी एल वन एल टू, यहां पर क्रॉस में लिखेंगे के वन एल टू प्लस के टू एल वन, होल बाई एल वन एल टू, तो एल वन एल टू और एल वन एल टू कैंसिल। तो स्मार्ट वे में इसको और आसानी से जल्दी से क्या लिख सकते हैं, बोल दीजिए के वन एल टू टी वन प्लस के टू एल वन टी टू बाई के वन एल टू प्लस के टू एल वन, ये टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, संधि का ताप है। वैसे भी संधि का ताप हम लोग क्वेश्चन लगा ही चुके हैं बिना फार्मूला जाने, केवल क्या करते थे करंट इक्वल कर देते थे, है कि नहीं, फार्मूला अगर कहीं मैच कराने की बात आती ऐसे लिखिएगा। अब कंडक्टिविटी अगर चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं, थर्ड के साथ बैलेंस ही करिए, फर्स्ट एंड थर्ड चाहे सेकंड एंड थर्ड, पहला तीसरा या दूसरा तीसरा ले लीजिए पार्ट,
है ना, और उसमें टी की वैल्यू भी रखना पड़ेगा आपको, तो आ जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी। नोट करिए इसको, सीखिए सब, लेकिन लास्ट में जो आपको गुरु मंत्र दे, बस भाई देखिए रट्टा नहीं मारना, इतने बड़े बड़े फार्मूले से एकदम छुटकारा पाना है, उसके लिए क्या करना है, टेक्निक जरूर सुनिए। रही क्या टेक्निक है, जड़ पे आइए, थर्मल करंट को इक्वल करना, दो ठीक क्वेश्चन बनेगा, सब आ जाएगा। यहाँ पर तो सब डाटा अलग अलग था, लेटर में था, इसलिए टफ लग रहा है, और जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें डाटा सब दिया रहेगा, तो आसान हो जाएगी, नहीं एक ही दो लाइन में साल हो जाएगा। सीरीज में क्या इक्वल, क्या कांस्टेंट, थर्मल करंट, इधर का मैटर इरेज कर दे रहे हैं। अगला इसी का सब पार्ट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, के इक्विवेलेंट या राड का K1 और K2 ना लिख करके एक ठुके कितना होगा, वो अकेला K क्या होगा, इसके बारे में। यहां देखिए, बाई पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से क्या होना है, फर्स्ट वाले में ये देखिए K1 T1 माइनस टी बाई L1 है, थर्ड वाले में एकदम पहला वाला है, तीसरे वाले के T1 माइनस T2 बाई L1 प्लस L2 है, ऐसा कुछ है। टी की वैल्यू रखिए आप, टी की वैल्यू उतनी भारी भरकम वैल्यू है भाई, ओहो चलिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा K1 और बाई L1 बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में T1 और माइनस टी, टी की वैल्यू क्या, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 बाई K1 L2। ऐसे राइट हैंड में K इंटू T1 माइनस T2 बाई L1 प्लस L2, ये चीज। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, K1 बाई L1 बाहर इंतजार कर रहा, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, K1 L2 T1 हो जाएगा कि नहीं, इसका यहां करिए प्लस K2 L1 और T1 माइनस, माइनस साइन की एंट्री कराएं तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, क्या K1 L2 T1 माइनस, यहां भी लगाइए K2 L1 T2 होल बाई, पूरे के नीचे ऐसे आराम से लिख दीजिए K1 L2 प्लस K2 L1, राइट हैंड में K इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, ऐसे समझ रहे होंगे। ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, K1 L2 T1 कट गया, सही है, और दूसरा वाला अगले वर्ष कट जाएगा, मिला लीजिए कहाँ कट रहा है, K2 L1 है लेकिन T1, K2 L1 है लेकिन T2, क्या कॉमन ले, K2 L1 मिल गया, K2 L1 बाहर लीजिए, K1 बाई L1 यहाँ इंतजार कर रहा है, ऊपर से K2 इंटू L1 बाहर लीजिए, अंदर क्या बचेगा T1, अंदर क्या बचेगा T2 बचेगा, नीचे तो बड़ा हल्का हो गया जी, नीचे क्या आएगा K1 L2 प्लस K2 L1, राइट हैंड में K इंटू T1 माइनस T2 बाई L1 प्लस L2। ये तो आपको ट्रैक दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, देखिए T1 माइनस T2 का कैंसिलेशन हो गया, अब यहां से देखिए L1 से L1 का भी कैंसिलेशन हो गया, हो गया कि नहीं, तो केवल के चाहिए तो L1 प्लस L2 राइट हैंड ले लीजिए, केवल अकेला के लिखते हैं तो आ जाएगा K1 K2 इंटू
एल वन प्लस एल टू होल बाई के वन एल टू प्लस के टू एल वन, ये फार्मूला आ गया। या थोड़ा ज्यादा यूजफुल बनाएं, इसकी यूटिलिटी बढ़ा दें, या और कैसे लिख सकते हैं इसको, के वन के टू डिवीजन ले लीजिए, तो ऊपर डिवीजन ले थट जाएगा और नीचे डिवीजन लेंगे तो कुछ नया चीज दिखेगा। हाँ, इसको लिख सकते हैं, यही भी लिख देना है आगे, एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई, हाँ एल वन बाई और प्लस एल टू बाई, चलेगा, क्रम से हमने लिख भी दिया, आप इसको जरूर याद करिएगा ये वाला, ठीक लगा। यानी क्या करना है, सभी लेंथ ऐसे ये टोन प्रोवाइड कर दे रहा, तीन राड होगी तब कैसे लिखेंगे कि एल वन प्लस एल टू प्लस और नीचे अपना एल अपना के अपना एल अपना के, एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई के टू प्लस एल थ्री बाई फाइव राड के लिए नेट के क्या होगा सीरीज में, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर प्लस एल फाइव और नीचे उसी टोन में लिखते जाइए। आसान लगा ही नहीं, इसको जरूर याद रखना है दिमाग में। वो वाला फार्मूला केवल दो के लिए था, बगल वाला जो ब्रैकेट लिखे वो वही चीज है, लेकिन उसकी यूटिलिटी कम है, टोन नहीं सेट हो पा रहा है। तीन के लिए कैसे के उनके टू लगाए नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसमें ज्यादा समझ में आ जा रहा है। ऊपर सब लेंथ का पहले सम कर लीजिए, नीचे लेंथ बाई के लिखते हुए उसका सम कर लीजिए। देखिए भाई, दो चीज हम लोग निकाल लिए, एक जंक्शन टेम्परेचर निकालिए और ओवरऑल या इक्विवेलेंट के निकालिए, कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए वो भी पता लग गया। चलिए अब यहां देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाला हूं, देखिए स्मार्ट टेक्निक आपको बता रहा है। कैसा कॉम्बिनेशन था, सीरीज की पैरेलल, कैसा कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डायरेक्ट की इन्वर्ट करके डायरेक्ट जुड़ता है, आर वन प्लस आर टू, आर वन कितना एल बाई के ए, बोलिए एल बाई के ए ब्रांडेड और लिख डाली, एल वन बाई के वन इंटू एल टू बाई के टू इंटू क्या काम बाहर ले ले वन बाई ए, ए ना तो वन बाई ए बाहर ले लीजिए, बचा क्या एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई के टू, ये हो गया ओवरऑल रेजिस्टेंस। बहुत जल्दी निकाल लीजिए इसको। आर के फार्मूले से आप के भी निकाल सकते हैं, और चुटकी भर बताएं जो इतना लंबा ट्रैक चले हैं, आर निकालना आ गया और इसी आर की जगह क्या लिखते हैं आप, आर की जगह लिख दिए प्योर प्योर एल बाई के ए लिख दीजिए, तो ये वन बाई ए इधर एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई के टू, थोड़ा विश्वास आप बढ़ जाए, एरिया सेरिया कैंसिलेशन, के चाहिए तो क्या कर दें, के को यहां लीजिए और इसको यहां, के को यहां ले गए तो क्या जाएगा के और पूरा डिब्बा नीचे, तो एल बाई एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई, बोले के फार्मूला सही है कि नहीं, और कोई कहे एल क्या है तो कह दीजिए एल माने टोटल एल वन प्लस एल टू, दिखा कि नहीं फायदा हुआ। तो हम तो कह रहे हैं कि सब चीज छोड़ी, यही बैक गियर लगाई, पहले रेजिस्टेंस निकाली फिर वहीं से खट से के निकाली ना, बस काम बन गया। कुछ विशेष दशाएं फायदेमंद कंडीशन यहां सीखते हैं, स्पेशल केसेस, केसेस नहीं केस, एक केस देखने खुद ही शाम हो जाएगी, यहां एक केस हल करने में दो दो तीन तीन साल लग जाता है, बड़े बड़े वकील एकदम परेशान करके रख देते हैं, एक केस साल हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। इफ
ध्यान दीजिएगा, L1 इक्वल टू L2, अगर दोनों राड की लेंथ सेम हो तब बताइए। तो पहला चीज क्या हो जाएगा जी, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, L बाहर ले लें, A इंटू प्लस वन बाई चलेगा, ये R इक्वल टू और क्या लिख दें, L बाई A और इंटू K1 प्लस और नीचे K1 इंटू K2 बोले, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। और K कितना होगा कोई झटके बताए, ठीक ठीक, यानी कुल मिलाकर के नीचे K रखना चाहिए, नीचे K कब आएगा जब K1 प्लस K2 नीचे डिवीजन ले, वही K रोल करेगा इक्विवेलेंट, K क्या होगा K1 K2 बाई K1 प्लस। ये कैसा मीन है बोल क्यों नहीं रहे हैं, अर्थमेटिक की हार्मोनिक, अरे तीन तरह के मीन होता है, दो नंबर हैं A और B जोड़ के दिया आइए, इसको समांतर माध्य कहते हैं, अर्थमेटिक मीन नाम देते हैं, रूट में भिड़ाइए अंडर रूट ए बी, इसको जेमेट्रिक मीन कहते हैं, गुणोत्तर माध्य, और ऊपर गुणा नीचे जोड़ ए बी बाई ए प्लस बी, इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन, देहाती में हरात्मक माध्य। मीन तीन तरह का, कभी जोड़ के आधा, कभी रूट में भिड़ाना, कभी ऊपर गुणा नीचे जोड़, है ना, ये तीन तरह, अर्थमेटिक मीन, जेमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन है, समझ गए। आर की मदद से के भी निकालना, समझ गया कि नहीं, चलिए आर आ गया के आ गया। ये जंक्शन टेम्परेचर नहीं बताएंगे क्या, जंक्शन टेम्परेचर क्या निकाले थे आप, बोले K1 T1 और प्लस K2 और बाई चलेगा, देखिए सही लिखेंगे नहीं, हम बहुत स्मार्ट में लिख रहे हैं, बहुत भराटेदार तरीके से, ऊपर क्या था K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 बाई K1 L2 प्लस K2 L1 और L1 L2 जब इक्वल है तो वहां से छाट के बाहरी आ लीजिए, एक ठो L लिखिए, एक ठो L फिर कैंसिल भी कर दीजिए, है कि नहीं, जो बचेगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हमने लिख दिया साफ सुथरा, चलिए नोट कर लीजिए। तो 100 बात की एक बात सीखिए सर, दिमाग में रखने वाली बस बात ही इतनी, रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस मिल गया तो वहां से K भी मिल जाएगा बस, और जब रेजिस्टेंस आ गया K आ गया तो थर्मल करंट लिख देंगे तो वहां से अननोन टेम्परेचर भी आ जाएगा बस, सीधी सी बात। नोट हो गया जी, एक प्रॉब्लम हो जाए, इसका 3K है, इसका 6K, लेंथ दोनों की सेम, भाई जंक्शन टेम्परेचर निकालना किनारे किनारे एक टेम्परेचर दीजिए, और जंक्शन टेम्परेचर नहीं निकालना तो इसे फ्री में एकदम छुच्छे छोड़िए इसे, तब और दो चीज बताइए, नेट रेजिस्टेंस और नेट के, है कि नहीं, अभी भी दो सवाल लग सकते हैं, क्या क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस और ओवरऑल कंडक्टेंस इसका, अकॉर्डिंग एज फिगर पता लगाइए, फाइंड आउट इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल
रेजिस्टेंस एंड ये एरिया की जरूरत पड़ेगी तो ए सपोज कर लीजिएगा कैपिटल ए एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इन दो हल्के हल्के सवाल, रेजिस्टेंस क्या लिख दें, सीरीज है तो जोड़ आर वन कितना एल बाई के ए, इसका बोलिए एल मतलब एल ही है सचमुच में और सिक्स के ए चलेगा, एल बाई के एक बाहर ले लीजिए क्या जाएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई ये क्या जाएगा सिक्स और प्लस थ्री ये वन बाई टू आ जाएगा, एल बाई कितना टू के ए जो पैरामीटर दिया था उसी में आंसर यू कर दिए, ये ब्रैकेट सॉल्व करें कितना आ जाएगा वन बाई टू, बोलिए वन बाई टू इसलिए। कंडक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है जल्दी से बोलिए, टू के कैसे एल बाई के ए होता है तो के का रोल यही कर रहा है प्योर रेजिस्टेंस, बोलिए बिना मेहनत के, अब के मत लिखिए के इक्विवेलेंट लिखिएगा टू के, रेजिस्टेंस निकालिए जैसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस फार्मूला दिया है एल बाई सत्तर के ए, बताइए यहां पर के की वैल्यू क्या है सेवेंटी के, माने एल और ए को छांट लीजिए वही आपके लिए नेट के होता है, समझ गए कि नहीं, जल्दी से काम हो गया देख लीजिए हल्का सा गलबल हो गया ठीक है, बोलिए समझ में आया, हमने क्या आपको बताया तरीका प्योर रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है प्योर प्योर शुद्ध शुद्ध वाला एल बाई के ए होता है, पूछा जाए के कैसे मिलेगा तो आप कह दीजिए एल को हटा दीजिए ए को डिलीट कर दीजिए जो बचेगा वही के ही रहता है, तो वैसे एल को और के को मन में ढक लिया तो टू के वही के रोल कर रहा है वही के नेट है या के इक्विवेलेंट है, समझ गए होंगे। इधर मटेरियल रेस करते हैं भाई, ये वाला हो गया यहां तक हो गया सबका लिख लिए हैं, चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन हल्का ही था लेकिन हल्की चीज को भी हम लोग बड़े तवज्जो के साथ बड़े इज्जत के साथ उसको सीखा है। आइए अगले वाले पर, अगला कॉम्बिनेशन कौन सा है जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले फिर से एक बार बता दीजिए मोटी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होना है बोल दीजिए, टेम्परेचर ताप का अंतर ना? कभी कभार जुबान लड़खड़ा जाती है, अरे हम लोग खुदे लड़खड़ा जाते हैं गिर पड़ते हैं तो जुबान है कि नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अब आपको कैसे समझाएं, चलिए फिर भी समझा देते हैं, एक राड ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ना ऐसे है देखिए देखिए ये कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज, कैसे कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री में ये वाला बांड कैसा है सिग्मा बांड, कैसा बांड है सिग्मा बांड, और ये वाला कैसा बांड है पाई बांड, कैसा बांड है पाई बांड, तो ज्यादा मजबूत कौन होता है सिग्मा बहुत मजबूत होता है, सिग्मा बांड स्ट्रांगर होता है सबसे स्ट्रांगेस्ट, उसमें इन टू इन कनेक्शन होता है ना, हाँ तो यहां पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब एक राड ऐसे एक राड ऐसे पूरे ही यहां यहां पर ऐसे मटेरियल लगा करके इसमें ऐसे लगा कर सर्टिंग कर दिया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लीजिए, अच्छा इसमें मोटू पतलू दोनों आ सकते हैं देख रहे नहीं,
लेकिन एक बात पक्की है, कौन सी, क्या इक्वल होगा, लेंथ। उसमें क्या इक्वल था, एरिया। हाँ, इसका एरिया अपना अपना, इसका एरिया पर्सनल वाला, पहले वाले का के ए वन है, दूसरे वाले के टू, के बताइए, अरे अपना अपना भाई, अपना अपना, देख रहे नहीं, नेट हीट की सप्लाई ऐसे ही भेज रहे हैं इधर से, नेट हीट की सप्लाई क्यों है, इस इंड का टेम्परेचर सेम ही होगा, जो होगा वही लिख दीजिए, इधर सेम है, सेम है माने सेम, बोड़ा वाला सेम नहीं है ना, सब्जी वाला सेम नहीं, टी वन उधर का टी टू, लेकिन एक इंड का चाहे यहां थर्मामीटर रखे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, सबका टेम्परेचर टी वन टी वन टी वन रीड करेगा, इस इंड का टी टू टी टू टी टू रीड करेगा ना, ऐसे बनाइए आप लोग भी। कुछ लोग लग रहा होगा कि आकर के फंस गए क्या, है कि नहीं, इतनी लंबी लंबी क्लास है ना, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। चलिए, अब खुद से आए हैं पढ़ने के लिए तो कभी नहीं पा रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, देखिए इसमें क्या इक्वल होना है, क्या कांस्टेंट होना है, टेम्परेचर का डिफरेंस। यहां पर ओवरऑल जो थर्मल करंट होगी, ओवरऑल थर्मल करंट किसके इक्वल होगी, पहले में और प्लस दूसरे, कुछ हीट की सप्लाई इससे होगी, कुछ इससे होगी, लेकिन टोटल वाला हीट वही क्यों है, थर्मल करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, पैरेलल में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट। अब डिस्ट्रीब्यूट माने बटता है, अब बटता है फिर इकट्ठा कर ली पूरा मिल जाए, इसमें सी एच वन इसमें सी एच टू, तो ओवरऑल कर लेते अच्छा जाएगा। जबकि सीरीज वाले में क्या था, सब इक्वल, एच वन इक्वल टू एच टू, वही इक्वल टू एच होता था, है कि नहीं, यहां पर बुनिया है, बुनिया फिर ऐसे इकट्ठा करिए लड्डू तैयार, है कि नहीं, इकट्ठा करेंगे फिर एच मिल जाएगा। सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, थर्मल सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस सेम रहता है, कांस्टेंट। बोले एच क्या लिख दें, एच बोले एच इधर बोलिए, एच वन पहले वाले के लिए टी वन माइनस टी टू बाई आर होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या लिख दें, एल बाई के, थोड़ा साफ साफ लिखना चाह रहे हैं, एल बाई के वन ए वन चलेगा, प्लस ये देखिए आर ही है, आर है, इसमें बोलिए एस टू क्या लिख दें, इसके लिए भी वही हाल है, टेम्परेचर डिफरेंस कहां बदल रहा है, और इसका रेजिस्टेंस बोलिए एल बाई के ए, एल सचमुच में एल ही है, एल वन एल टू नहीं, लेकिन के अपना है, एरिया भी अपना पर्सनली टू। बोले ओवरऑल क्या काम ले लें, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं, टी वन माइनस टी टू लीजिए, अंदर क्या लिखें पलट दीजिए, के वन ए वन, अच्छा यल भी कामन, के वन ए वन, तब लीजिए कहां इतना ऊपर लिख रहे हैं, आराम से लिखिए, के वन और प्लस के टू ए टू, अगर बुद्धि हो तब उपयोग करिएगा, है ना, बिना बुद्धि की लड़ाई मत करिएगा, बिना बुद्धि काम करें तो खाली झगड़ा होगा, है ना, खाली आवाज आएगी, बुद्धि के साथ ऐसे कलम चलाइए। बताइए यहां पर नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस बता सकते हैं, समझ गए सब लोग, क्या होना है, एल बाई यही पूरा डिब्बा, क्योंकि करंट का क्या फार्मूला होता है, करंट फार्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस और बाई आर, तो नीचे वाला आर होता है, तो नीचे आर लिखने के लिए एल और पूरा डिब्बा भी नीचे कर दीजिए, ऊपर केवल टेम्परेचर डिफरेंस वाला टर्म छोड़िए, बाकी जो हो उसको नीचे सेट कर लीजिए, सब लोग समझ गए, आइडिया समझ में, तो क्या जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, नेट
रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, पहले तत्काल लिखिए फिर बाद में समझा जाएगा, के वन ए वन और बोलिए के टू चलेगा। हम कुछ फायदे वाली बात कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि वास्तव बहुत आसान है, हमारी बातों में आपको सच्चाई दिखी। पलट दीजिए, जैसी भी मंगाई पलटवा दीजिए, वन बाई आर इधर बोलिए के वन ए वन और बताइए के टू ए टू होल बाई एन होल बाई एन, दोनों के नीचे तोड़ दें टुकड़ों में, बुद्धि काम कर रहा है। ये बताइए क्या है, आर वन लिख दें, हाँ वन अपार आर वन, आर टू लिख दें वन अपार आर टू, यानी वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन और प्लस वन बाई बहुत से। अच्छा, हम लोगों की आत्मा भी बोल तो नहीं पाती लेकिन अंदर अंदर ऐसे सोच रही थी, है ना, अंदर अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी पैरेलल है तो उलट के जोड़ना चाहिए, हुआ भी आपके मन की बातें सही हुई, नोट करिए। ये जल्दी से कहना हो दो ही हो, जैसे तीन ठो और आठ तब क्या करेंगे, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस एक ठो और वन बाई आर थ्री, अगर दो ही हो इतना ही तो क्या करेंगे, आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, ऊपर गुणा नीचे जोड़, फॉर ओनली टू छड़स राड्स भाई, छड़स कौन शब्द है, अच्छा बहुत लोग अंग्रेजी अंग्रेजी ऐसे ही बोल चला ले जाते हैं, बहुत गंभीर होकर बोले तो कोई ध्यान भी नहीं देगा, यही नहीं, जैसे कोई पूछ रहा है कि सर ये बॉटल में पानी, जो बॉटल में आप पानी लिए हैं पानी पिएबल है नहीं, कभी कभार सवाल देख के लोग एकदम भयभीत हो जाते, कहते हैं सर ओ माय गॉड सवाल तो बहुत खतरेबुल है। बहुत लोग ऐसे जैसे मतलब खड़ी बोले प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ एकदम भुजरिया बेड़ी कब हो जाता है पता नहीं लगता है ना, जैसे कुछ लिखा हुआ मैटर दिखा रहे हैं, जरा देखिए क्या लिखा है, तो उस पर देखेंगे कहेंगे वो भी खड़ी बात कर रहे हैं, है ना, कहेंगे फरिया नहीं रहा है क्या लिखा है इसमें, वो भी खड़ी बोल रहे हैं फरिया नहीं रहा है ना, बोलते एकदम खड़ी ही हैं चाहे जो हो जाए लेकिन टोन एकदम वही सेट रहे। जैसे कहें कल का मौसम सही था, यही आज बुनियाना शुरू हो गए। हटा दें इसको भाई, इधर हटा दें पूरा। चलिए, काफी चीजें सीखने को मिली, बहुत मजा आया, खूब अच्छा लग रहा है। अब जरा देखिए नेट कंडक्टिविटी पर आ जाइए ना, नेट कंडक्टिविटी, नेट कंडक्टिविटी देखा जाए, बोले नेट कंडक्टिविटी निकालिए, नेट कंडक्टिविटी बोले क्या होगा, सिंस आर इक्वल टू एल बाई एकदम वर्जिनल वर्जिनल के ए ऐसा होता है, बोले तो यहां पर क्या लिख दें, आर को वही बड़ा वाला फार्मूले उठा कर रख दीजिए, यहां रख दीजिए आर फार्मूले तो यहां निकाले हैं ना, रखते क्यों नहीं, एल बाई के वन ए वन प्लस के टू ए टू, बोलिए इधर एल बाई के ए, ए माने एरिया, कौन सा एरिया, पूरे का, अकेले ए लिखा जाए इसका मतलब ए वन प्लस एल टू, अकेले अगर सीरीज में एल लिखा जाए इसका मतलब एल वन प्लस एल टू, इतने बुद्धिमान है, इतनी बुद्धि काम करती है हम लोगों की,
बोले भाई ईएल का निपटारा हो गया, ऊपर वाला मामला ही खत्म, अब क्या लिखना है तो क्या कर दे, मतलब ये वाला इसके इक्वल हो गया और क्या लिखना हो डिवीजन। बड़ा आसान बड़ा हल्लू फार्मूला मिला भाई, के वन ए वन प्लस के टू होल बाई ए वन प्लस ए टू, ए वन ए वन काट दें, ए टू टू को बक्से ना कुछ लोग ऐसा कुछ सोचते हैं कि ए वन से वन कट गया ए टू से टू कट गया, जो होल मिस कॉमन होता तब कटता है, इसे बुद्धि मत लगाइएगा। चलिए स्पेशल कुछ बातें हो जाएं, बहुत घिसी पिटी बातें हल्की हल्की हो गई, स्पेशल बातें। अगर कहीं ऐसा हो जाए क्या इक्वल, सीरीज में क्या इक्वल किए थे लेंथ, पैरेलल में क्या इक्वल कर दें एरिया, अगर एरिया इक्वल हो जाए तो क्या फायदा होगा। देखिए यहां से क्या आ जाएगी जी, हाँ चलिए वहीं से निकालिए, हाँ वहीं से रेजिस्टेंस बोलिए तो एल बाई एल बाई ए वन प्लस ए वन इक्वल टू ए टू को क्या लिख दें, ए लिख दें, खाली ए लिख दीजिए अकेले ए, हाँ के बाई ए सॉरी एल बाई ए और डिब्बे में के वन प्लस, सही है। यहीं पर अगर ए वन की जगह भी ए रख दे, ए टू की जगह भी ए रख दे, ए कॉमन हो जाएगा, सही है कि नहीं। अब ये निकालिए आर तो के चुटकी भर काम है, चुटकी बजी के आंसर आया, चुटकी बच चुकी है, विच इंप्लाइज के कितना आ जाएगा, के कितना बोल दीजिए, ये देख बोलिए के कितना है, के वन प्लस के टू है। आर फार्मूला कैसे लिखा जाता है, एल बाई के ए ही तो होता है, एल और एरिया को ढकिए तो जो बचेगा वही के है, एल और एरिया को मिटाइए तो जो बचेगा वही के, कितना मजेदार कितना हल्का फार्मूला, बोले ये आपको बातों पे यकीन नहीं थी, यहां लिख लीजिए। हाँ जी इससे नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, हाँ नेट एरिया क्या हो जाएगा, नेट एरिया चलिए अच्छा ऐसा करिए, ये पहले के निकाल लीजिए, तो के निकालिए फट से, के निकालिए इसी में से, पहले इसी फार्मूला रखिए, ए वन की जगह भी ए, ए टू की जगह भी ए, ए बाहर आ जाएगा और नीचे ए ए मिलकर के टू ए हो जाएगा, क्या आ जाएगा के वन प्लस के टू बाई, इसमें कौन सा मीन है, जोड़ के आधा अर्थमेटिक। नाउ रेजिस्टेंस क्या लिख दें, लेंथ एल और एरिया कितना 2a, बोलिए और k कितना k1 प्लस k2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आया वही, लेकिन k निकालने में गड़बड़ी हो रही थी, समझ गए k1 प्लस k2 रेजिस्टेंस फार्मूला वही आ रहा है, लेकिन k निकालते समय थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये इस पर जरा ध्यान समझिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में के कैसे निकलता है, हार्मोनिक में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैसे निकलता है, अर्थमेटिक में, रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है, रेजिस्टेंस पैरेलल में इन्वर्ट करके पलट करके जोड़ा जाता है, नोट कर लीजिए, सही है। के पर जरा ध्यान रखिएगा, के यहां कैसे होता है, ये इसको जरा याद कर लीजिए, तो
रटना है। के सीरीज में क्या था याद है? सीरीज में कैसे के आया था? नहीं वो तो स्पेशल में हार्मोनिक में आया था। जनरल वाला के क्या था? के वन एल टू ए वन प्लस के टू एल वन प्लस एल टू आया था। हाँ एल वन प्लस एल टू बाई अब प्लस एल टू पान। देखिए पढ़िए सब, लेकिन मेन मेन बात जहां कोट कर दे, जहां निशाना लगा दें किस पे याद करना तो उसको मन बैठा लें। तो सीरीज में ये कारगर है, बाकी अगर लेंथ इक्वल हो जाएगा तो ये आ जाता है के वन के टू। बोले के वन प्लस ये ट्वाइस भी रहता है जी, टू के वन के टू कितना हो जाएगा जरा निकाल लीजिए तो वहां वाले में सेट कर लीजिए तो टू रहेगा वहां। अरे एल वन एल टू जब सेम हो जाएगा टू नहीं हो जाएगा टू एल, जरा कर लीजिए पिछले में बैक खोल पेज पलटिए थोड़ा सुधार लीजिए उसमें स्पेशल में थोड़ा भूल हो गया। लाइए जरा देखें जी, हाँ देखें जी जरा समय दो। भाई मिसिंग हो रहा है, ट्वाइस करके टू ए बी वाई ए प्लस बी होता है हार्मोनिक में। तो आपने हाँ स्पेशल किस लिखा है हार्मोनिक मीन वाले में, देख रहे हैं हार्मोनिक मीन वाले में लिखा है ना, तो यहाँ ऊपर टू कर लीजिए बस, जो एच एम लिखे हैं उसमें टू कर लीजिए ऊपर टू टू के उनके टू बाई के बीच। चलिए ठीक है, समय रहते सुधार हो गया है। पहले जनरल सीखिए फिर स्पेशल रिजल्ट उसका स्पेशलाइज्ड। रेजिस्टेंस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करनी है। सीरीज में आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में आर इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, ऊपर गुणा नीचे जोड़। कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है बात। चलिए फिर देखिए फार्मूला याद करवा दें हम। बोलिए किसका फार्मूला लिख रहे हैं? एल वन प्लस एल टू बाई एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई के टू। सीरीज का पैरेलल का सीरीज, इसी में अगर एल वन इक्वल टू एल टू हो जाए, लेंथ इक्वल हो जाए तो के क्या आ जाएगा? टू के वन के टू और बाई के वन प्लस। इसको मन बैठाई तब क्वेश्चन तेजी से टूटेंगे। पैरेलल में क्या, पैरेलल में के लिखना हो तो के और वही एरिया, उसका के और उसका एरिया और बाई एरिया का सम। देखिए यह है कि नहीं, इसमें ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए है। अगर ये शुभघड़ी आ जाए A1 और A2 इक्वल हो जाए दोनों के एरिया सेम, तो K क्या होगा? जोड़ के आधा, जोड़ के आधा। ये कौन सा मीन है? ये कौन सा मीन है? हार्मोनिक। बात को समझिएगा, आप जनरल वाला जरूर याद रखिए, बाकी स्पेशल आया था तो अच्छी बात है। ठीक है एक क्वेश्चन हो जाए, एक ही क्वेश्चन में आपकी बुद्धि तौल ली जाएगी। फिर बताइए पैरेलल में के निकालने क्या तरीका? के वन ए वन बाई सॉरी के वन ए वन प्लस के टू ए टू बाई ए वन प्लस ए टू। डायमेंशनली बीमा की दृष्टि से भी फार्मूला सही होना चाहिए। के आप निकाल रहे हैं तो एरिया, एरिया एक्स्ट्रा टर्म लगाए तो एरिया से डिवीजन ले लिया, बचेगा के वाला पैटर्न नहीं। के निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लेंथ, लेकिन लेंथ बाई के, तो लेंथ लेंथ कैंसिल होगा तो वन बाई के, फिर पलटी मारेगा तो के ही वाला आ जाएगा। फिर नहीं रिजल्ट अपने डायमेंशन मन में सोचे रहिए, डायमेंशनली फार्मूला करेक्ट दिखना चाहिए। चलिए एक अच्छा सवाल आपके लिए बचा कर रखे थे, दे रहे हैं।
लेंथ दोनों की एल है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K, इसकी 3K। देख लीजिएगा, इसकी रेडियस R है और इसकी रेडियस 2R है, समझ रहे हैं? इसकी रेडियस जस्ट डबल है, 2R है। K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बस एक छोटा सवाल K चाहिए। तो बोलिए इसका एरिया अगर ए लेते हैं तो इसका एरिया कितना लेना होगा? 4a, चौगुना, क्योंकि रेडियस डबल हो रहा है तो एरिया चार गुना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं एरिया, तो 2r स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर आ जाएगा, यानी चौगुना। तो यहां पर k1 कितना है, a1 कितना है, पाई आर स्क्वायर, K2 माने दूसरे राड का 3K है, और A2 कितना है जी, A2 माने दूसरे के एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर, चलेगा? एकदम साफ साफ लिख दे रहे हैं। तो कुल मिला के K1 A1 K2 A2 यही चार चीज होनी चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, केवल और केवल सादा सादा K चाहिए। फार्मूला पुराना आज भी कारगर है, ओल्ड इज गोल्ड वाली बातें 100% सही है। क्या फार्मूला, K1 A1 और बोलिए प्लस बाई K1 प्लस K2, चलेगा? K1 नहीं, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, एक लाइन लगा रहे हैं। बोलिए K1 A1 करिए तो 2K इंटू पाई आर का 3K इंटू 4πr का, और नीचे भी है पाई आर स्क्वायर में 4πr स्क्वायर ऐड कर दी, चलेगा? ऊपर πr² सहज है कॉमन, πr² छोड़ दीजिए, लिखना ही बंद कर दीजिए, πr² कॉमन लिख मन ही मन हम लोग कैंसिल कर लिए। बोले क्या आ जाएगा, πr² छोड़ी 2K, यहां क्या आ जाएगा, 4×3 = 12, 12K, चलेगा? हम लोग πr² के एकदम देश निकाला, बनवास दे दिए, ऊपर से भी नीचे से, नीचे कितना πr² एक हो गया 1, वहां से πr² हटा तो 4, क्या आ गया, के की वैल्यू हो गई फाइनली, के मत लिखे नहीं धोखा हो जाएगा, के इक्विवेलेंट लिखे या के नेट लिखे, नहीं इधर के और इधर के काटना शुरू कर देंगे आप। क्या आया, 14 के इक्विवेलेंट की फाइनली वैल्यू आ गई 14K/5, दिस बी द फाइनल जवाब, ये कंप्लीट आंसर है, समझ माना चाहिए। बोले ठीक है, उठना बैठना मुश्किल हो गया भाई। प्योर पानी में कोई एनर्जी नहीं होती, बस ये ट्रांसपोर्टेशन काम आता है, परिसंचरण तंत्र को मेंटेन रखता है। बताइए हो गया, एक सवाल 1 रुपए का, 1 रुपए के लिए एक सवाल बना रहे हैं। और ऐसे सवाल जब बुक मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, अंदर अंदर कम से कम 4-5 बार थैंक यू हमको बोलेंगे, है ना, कि ये सवाल तो पहले ही आप कॉपी में लगा चुके, और ऐसे दिखेंगे जरूर जो आप बनाने चल रहे हैं। पैरेलल देखिए एक तरीका और है, पैरेलल कनेक्शन का कोएक्सियल हो जाए, एक ही एक्सिस हो, जैसे हमारे हाथ के साथ ये शर्ट जो बाजू है, आर्म है शर्ट का, आस्तीन,
ये किस तरह से अटैच है हमारे हाथ के साथ, सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में इसी के ऊपर ऐसे बाइंडिंग कर दिया गया है, देखे नहीं। मोटा जैकेट पहन लें तो ये हाथ और जैकेट ऊपर वाला मोटा वाला सब पैरेलल में, बोले जैसे जैकेट निकाल करके हाथ और बगल में से जैकेट के बाजू ऐसे लगाएं तो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल ही, वही हाथ उसमें डाल लें तब भी पैरेलल, समझ रहे हैं। यानी अब कुछ नया सीन है, ऐसे और ये भी आप समझ जाएंगे, हालांकि इस पर एक रुपए के नाम रखा गया है इनाम, बल्कि इसी के ऊपर रख दे क्या ही है, देखते हैं कौन इनाम ले जाता है इसी के ऊपर रखा था, सचमुच इसी के ऊपर रख दें आपकी बार कोएक्सियल दोनों की एक्सिस सेम है, इसके रेडियस और इसकी रेडियस कितनी है 2r। ये एक तरह का मटेरियल है k 1 वाला और ये दूसरी तरह का मटेरियल है k 2। देखिए जरा यहां कौन सा मटेरियल है K2, अंदर अंदर कौन है K1, बाकी ऊपर वाला K2, K2, ये यहां K2, 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 समझ रहे नहीं। K2 वाला मटेरियल कहां मौजूद है पता है, जो शेडिंग कर रहे। अरे ऐसे क्यों नहीं सोचते, पेन जैसे लिए हैं उसमें रिफिल भरी गई है, अंदर वाला रिफिल है बाहर वाला उसकी बॉडी ना, पेन की रिफिल पूरा पेन के साथ कैसे अटैच होती है, किस तरह कॉम्बिनेशन शो करती है, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल ना, वही पेन की रिफिल निकाल कर कैसे ऐसे बड़ा कर दिए तब सीरीज, पेन की रिफिल निकाल बगल में लगा दिए तब पैरेलल, समझ गए कि नहीं। एक तो ऐसे में जानते रहिए, सीरीज में लंबाई बढ़ती है और पैरेलल में मोटाई बढ़ती है ना, एरिया बढ़ता है पैरेलल, सीरीज में लेंथ बढ़ता है, एक कैसा कॉम्बिनेशन है पता है, हाँ बताइए इसका के इक्विवेलेंट क्या होगा, जब आप केवल हाथ ऊंचा करके आप बताएंगे, आंसर नहीं बोलना है, आ जाए तो हम देख ले रहे हैं, एक दो तीन, तीन लोगों का आया है, तीन लोग कहाँ लगाए फाइनल आंसर, चलिए इनकी कॉपी हम जमा कर ले रहे हैं जिससे कुछ फेर बदल ना हो पाए, है ना, सही लगाए हैं गलत न कर पाए है कि नहीं, कभी कभार ये भी होता है कैसे सही हो गया, इनकी कॉपी यहाँ रख दे रहे हैं हम, अभी इनको भी जानकारी नहीं है कहाँ लगाए हैं, उनकी कॉपी ऐसे छीन ले रहे हैं यहाँ रख दे रहे हैं, लाइए जरा देखिए कहाँ लगाए हैं, एकदम पीछे ये लगाए हो, चलो तो वह इनकी कॉपी है यहाँ रख देने पीछे अपने ही उठा, इसलिए आप कॉपी यहाँ देखते रहिए। चलिए देखिए और कोई है, और कोई दिखाएगा, और किसी का आ रहा है, शुरू करें। देखिए अब कहाँ कहाँ धोखा खाए आप लोग, देखिए कितना बड़ा झटका लगने वाला है बोलिए पहली राड का एरिया क्या है, एकदम करेक्ट, पूरे 16 आने सही जवाब। चलिए आराम आराम से, धीरे धीरे झटका लगे आपको, हमें चाहिए भाई देखिए साफ सुथरा माहौल, के वन ए वन, के टू ए टू, फिर के अपना ले जाए, साफ साफ लिखिए तो डाटा, ठीक है से बोलिए के वन, सचमुच के वन है, के टू, के टू है, खाली एरिया बोल दीजिए ना, पहले के एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन दूसरे का एरिया क्या होगा, दूसरे के एरिया फोर पाई आर स्क्वायर लिख दें, गलत, ये अंदर मटेरियल है ना, बाकी यहां यहां मटेरियल, माने ये इतने में जो मटेरियल स्टैंडिंग किया इसका एरिया चाहिए,
क्या लिखें, पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर का स्क्वायर, क्या आ गया a2 टू थ्री पाई r। अब तो समझ ही गए होंगे किसका किसका सही किसका किसका गलत। तो k क्या लिख दें, k का फार्मूला सिंस k इक्वल टू k1 और प्लस अब बाई ए वन प्लस ए टू, बोले वैल्यू रखिए के वन के वन नहीं है पाई आर स्क्वायर, ये के टू और इंटू थ्री पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर प्लस थ्री पाई आर स्क्वायर, चलेगा पाई आर स्क्वायर हर जगह सूट आने मन में क्या आएगा, k इक्वल टू k1 प्लस 3k2 बाई 4, दिस बी द फाइनल आंसर। कितने लोग सही है मानदर्ज बताएं, चलिए ठीक है। फिलहाल कितने लोग समझ गए इस क्वेश्चन को, अब कितने लोग समझ गए, जरा हाथ ही चकरे, ठीक बड़ा अच्छा लगा भाई, समझना बहुत जरूरी है, माने एरिया कैलकुलेशन भी बहुत स्मार्ट वे में एकदम आराम से करना चला के साथ। जरा उनको कॉपी दे दीजिए, कॉपी पीछे से ले लीजिए। समझ गए, अब तो धोखा नहीं खाएंगे, धोखा खाने वाली चीजें नहीं है, खाने वाली चीज ढोसा है। ये ढोका भी खा सकता है लेकिन गुड़ वाला ढोका है। हाँ तो एक रुपए की इनामी सवाल था, वादे के मुताबिक एक रुपए का सिक्का दिया जाएगा, भी पुराना सिक्का है लेकिन उसकी कीमत वही है। ले आई भाई, ले आई आज पैसों को एकदम बौछार कर देना, ले आई कॉपी। अब की बार 5 रुपए और 10 रुपए वाले इनामी सवाल बनेंगे, गौर से देखते रहे कितना मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ गया भाई, लीजिए, खोजना नहीं था मैंने, तमाम सिक्के उसमें छांटना हो, आंख बंद करके ऐसे दे दी वो 1 रुपए हो गए। बस कुछ नहीं, बस सावधानी ये बरतनी है, एरिया कैलकुलेशन में देखना है K2 वाला मटेरियल कहाँ मौजूद है, K2 वाला मटेरियल है इसी बटर जो मोटाई है उसी में मौजूद है, तो इसका एरिया निकालना रहेगा तो पूरा एरिया में से है अंदर वाले के लिए घटा दीजिए, अंदर वाले के जो K1 वाला इसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना, बस बात खत्म, समझ में आया। चलिए एक ओरल हो जाए, ओरल। चलिए बिना पेन चलाए खाली कोने में आंसर लिखना है, बोलना नहीं, पेन से ऐसे आंसर लिख देना है, देखते हैं दिमाग काम करता है कि नहीं। बोलना बिल्कुल नहीं, खाली हाथ ऊंचा कर दीजिए या कह दीजिए हाँ सर आ गया। आए के वन के टू नहीं, के और टू के है, बड़ा यही सावधानी रखिएगा, ऑनलाइन वाले भी देख लें, कैलकुलेशन आसान था, एरिया पहले वाले पाई आर स्क्वायर दूसरे के एरिया की लिखना होगा, मतलब जिसमें टू के वाला मटेरियल मौजूद है तो 9 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, समझ गए, 8 पाई आर स्क्वायर हो गया, बस फार्मूला वही पुराना। एक और दिया जाए ओरल वाला, दे थोड़ा सावधान रहिएगा, लीजिए नोट करके लगाइए फटाक से। इस तरह खूब क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में और एग्जाम में भी बिल्कुल इसी मोड में इसी पैटर्न पे आता है,
आप पहले सात मजबूत किए हैं। और लोग क्या करते हैं, एक सवाल जो पूछा जाएगी जब वही लगाते हैं, तो कॉन्सेप्ट बनता बनता रहता, पता लगा फिर प्रॉब्लम बदल गया, नया कॉन्सेप्ट वाला जो मजबूती साथ बनना चाहिए नहीं बन पाया। अब आप एक कॉन्सेप्ट में दो तीन क्वेश्चन कर लीजिए, सब एकदम आसान हो जाएगा। लेंथ यल है भाई, कॉमन लेंथ। अब वैसे भी के निकालते समय लेंथ कहां जरूरत ही पड़ती है, कोई जरूरत नहीं। इसका के है, अंदर वाले का टू के, अंदर वाले की रेडियस टू आर है और बाहर वाले की रेडियस थ्री आर है, सॉरी थ्री आर है। देखते सचमुच में समझदार हो गए, कैसे समझदारी का नाटक कर रहे हैं। जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, बड़े हो गए कि नहीं उसी चेकिंग हो रही। हर काम सलीके सिस्टम से आप करते हैं कि नहीं, एक बार गाइड कर दिया जाए बातों का असर पड़ता है कि नहीं। आ गया, चलिए एक मिनट मौका हम सबके लिए दे दे रहे हैं। पर एकदम पूरा कहीं करी गलत, फिर तुरंत देखिए कहां कमी रह गई, उसको फिर से इंप्रूव कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। आया जी, कितना आया? ठीक, देखिए आज इस मौके पर एरिया देखिए भैया 4πr², कितनी स्मार्ट वे लिख रहे हैं, एकदम जरा चिंता की लकीरें नहीं है माथे पर, आराम से। रेडियस 2r था तो πr² मन में टोन सेट किया है, तो 2r के स्क्वायर करें 4r², तो π × ऐसे हो गया। एरिया सेकंड वाले क्या होगा जी, बाहर वाले के एरिया 9πr², और अंदर वाले 4πr² घटा दीजिए, 5πr² लिख दें। बहुत तो परेशान रहेंगे A2 कैसे निकाला, ये तो आप लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं। तो क्या है फार्मूला K इक्विवेलेंट का, अपना अपना K अपना अपना एरिया, अगले का K अगले के एरिया बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया समझिएगा। वैसे बोलिए टोटल एरिया क्या होगा, टोटल रेडियस 3r है तो 9πr² होना चाहिए, तो ऐसे देखिए जोड़ने पर 9 आ रहा है कि नहीं, यहां से भी एक बार कंफर्मेशन हो जाता है। हाँ, यही से बुद्धिमानी है, अपना चेकिंग खुद हम लोग कर लेते हैं। हाँ, K1 तो अंदर वाले का 2K है, अंदर वाले के एरिया 8K × πr, बाहर वाले के जिसको K2 हम लोग मन में सोचते हैं उसका K1 है खाली और एरिया ये है, तो 5K × πr² और नीचे दोनों एरिया के कनेक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 9πr² चलेगा भाई। πr² को छोड़िए मत, कितना आसान कितना मजेदार, 13K/9। अब समझ गए हैं कि आप लोग जो भी गलतियां करना था कर चुके हैं, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। सब लोग समझ गए, फायदा हुआ इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन बुक में है। तो अब अगला टॉपिक हम लोग सीखते हैं रेडिएशन, उसको भी जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। देखिए भाई इतनी बड़ी बड़ी क्लास सब सहन भी नहीं कर पाते हैं, खुशी के मारे कुछ लोग पागल हो जाते हैं। कुछ लोग भूख के ना देखे। चलिए, हम लोग आदत बन गई, इसी क्षमता डेवलप हो गई ज्यादा वर्क करने की, ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की, ज्यादा ताकत दिखा रहे हैं, लंबे समय तक ऐसे काम कर ले रहे हैं पानी पी पी कर बीच बीच में, ठीक नहीं, टोपी लगा के बैठे हैं। देखिए आप हेडिंग डालिए कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। कंडक्शन खूब देर तक सीखा गया, कन्वेक्शन कम देर तक सीखे, हल्के में निपटा देंगे। कन्वेक्शन क्या है, इसमें मॉलिक्यूल का एक्चुअल मूवमेंट होता है, कंडक्शन में एक्चुअल मूवमेंट अलाउ नहीं है, अपने प्लेस पर बने रह करके वाइब्रेट करके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, एक एटम से दूसरे एटम को इनर्जी
आगे प्रोपोगेट करता है। इसमें एक्चुअल मोशन होता है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इसमें होता है। डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं कि ये मूवमेंट कहलाता है, शॉर्ट समझा दे रहे हैं इसमें मूवमेंट होता है, मेन मेन बातों को कोट कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कन्वेक्शन में पानी जैसे गर्म कर रहे हैं, ये किसमें होता है? किसमें अकर करता है जी? लिक्विड्स में। लिक्विड में के लिए ही, जैसे पानी कैसे गर्म हो रहा है भोजन पकाने के लिए, जो कुकर में पानी रखे हैं खिचड़ी डालने वाले हैं दाल पकाने वाले, किस मेथड से? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से? कंडक्शन से। किस मेथड से? वो तो इंडक्शन हीटर मन में सोच रहे हैं, मेथड का नाम क्या है? कंडक्शन, सॉरी मेथड का नाम क्या है? कन्वेक्शन। बर्तन कैसे गर्म हुआ? कंडक्शन से। लेकिन पानी कैसे गर्म हुआ? कन्वेक्शन से, है ना। पानी अगर पतीला में रख करके, वो जो डेक्ची है कराही है, धूप में रख दिए तब भी पानी गर्म हो जाए, उस समय कैसे गर्म हो रहा है? बाय रेडिएशन। कैसे गर्म हुआ? रेडिएशन से केवल सरफेस तक आया है हीट, जो सन की रेज है, लेकिन अंदर वाटर के अंदर कौन सी फिनोमेना आकर की है? कंडक्शन। कौन सा? कन्वेक्शन नहीं। अब याद रखिएगा, कन्वेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हॉट मॉलिक्यूल होंगे वो हल्के होंगे, गर्म वाला हल्का, अब गर्म होकर के ऊपर, गर्म होकर के, और जो ठंडे वाले होंगे वो हैवियर होते हैं, ज्यादा वजनदार, उनकी डेंसिटी ज्यादा है। किसकी डेंसिटी कम होती है? हार्ट की, कोल्ड की। किसकी डेंसिटी कम होती है? हार्ट वाले की। तो हार्ट वाले कम होती है तो ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाएगा। और कोल्ड वाले, उसका प्लेस लेने के नीचे। जैसे पानी गर्म हो रहा है तो गौर से देखिए तो समझ में आएगा, अंदर अंदर से मॉलिक्यूल ऊपर मूव करते हैं, ऊपर मूव करते हैं, धीरे धीरे से ऊपर मूव करते हैं, है ना, गर्म होकर के ऊपर चले जाते हैं। अब अगल बगल वाले ठंडे वाले उसके प्लेस पर आकर नीचे से चेयर लगा लेते हैं, वो भी गर्म होंगे तो वो ऊपर जाएंगे, धीरे 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 पूरा वाटर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। याद रखिएगा, हीट की सप्लाई अगर नीचे से कर रहे हैं तो कौन से मेथड से गर्म होगा? एकदम सही जवाब, हीट की सप्लाई ऊपर से कर रहे हैं तो कंडक्शन से। तब वाटर के मॉलिक्यूल गर्म होंगे तो ऊपर जाना चाहेंगे, लेकिन ऊपर तो ऑलरेडी है, अब कहां जाएं? कुछ नहीं, अब गर्म होकर के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वाइज तो सप्लाई करेंगे। समझ गए ये बात है। हार्ट लाइट मॉलिक्यूल मूव्स अपवर्ड एंड कोल्ड हैवी, ठंडे वाले कैसे होते हैं? हैवी, हैवी मॉलिक्यूल्स मूव्स डाउनवर्ड। क्यों ऐसा होता है? हल्के वाले नीचे क्यों आ रहे हैं, सॉरी हल्के वाले ऊपर क्यों जा रहे हैं, भारी वाले नीचे क्यों आ रहे हैं? ग्रेविटी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो तो हल्के भारी कोई मतलब ही नहीं। ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, वैक्यूम नहीं कह रहे हैं, वैक्यूम मतलब एयर नहीं, हम क्या कह रहे हैं? ग्रेविटी फ्री हाल, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ऐसी जगह है जहां पर जी का रोल नहीं, जी समाप्त, उस तरह की। डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बल्कि रंगीन पेन ऐसे चला लीजिए, हाइलाइटर हाईलाइट कर लीजिए, ग्रेविटी को जस्ट कनेक्शन पॉसिबल होता है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल।
डायरेक्शन ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन इज फ्रॉम इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन की दिशा किधर होती है? ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप। इनको गर्म किया जा रहा है, बताइए इसमें पूरा पानी भरा गया है, बताइए क्या होगा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज कंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गर्म होकर के पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा फिर इधर जाएगा, ठंडे वाले नीचे आएंगे, फिर गर्म होकर ऊपर जाएंगे, इधर ठंडे वाले नीचे आकर इधर आएंगे, यानी किस तरह पूरा मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज। बर्फ का बनना या बर्फ का ग्रोथ करना, एक्रेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स या ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स। तालाब में कैसे बर्फ जमती है? कहां से जमना शुरू होती है? अपर लेयर से, एक लोअर लेयर से, ऊपर से बर्फ बनना शुरू, धीरे धीरे उसकी मोटाई नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। उसके लिए टाइम का फार्मूला निकाला गया था, रोयल बाई टू के टी इंटू एक्स स्क्वायर था। जरा चेक करिए फार्मूला क्या था टाइम का, रो एल बाई टू के टी इंटू एक्स स्क्वायर था क्या? देख लीजिए सोचने से कैसे आएगा, कितना माने हमारी बात सही है ना, रोयल बाई टू के टी इंटू एक्स स्क्वायर आया था। के बी द थर्मल कंडक्टिविटी, एल बी द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। चलिए तो अब बारी है सीखने की रेडिएशन। रेडिएशन कल सीखा जाइए, चलिए कल सीखते हैं, समय भी काफी हो गया है। तो रेडिएशन टॉपिक पेंडिंग है, रेडिएशन और एक छोटा सा टॉपिक है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये कल सीखा जाएगा, कल ही थर्मोडायनेमिक्स का समापन होगा और फिर नया टॉपिक हम लोग सीखेंगे वेव, बड़ा टॉपिक है, पूरा पूरा सब कुछ समझ लेंगे उसमें। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।